की हर बात जी देगा मजा तो सुबह में है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। आज 6 सितंबर है और आज डिफेंस डे है, योम दिफाए पाकिस्तान। तो आज मैं अपने शाहीनों से मिलवाऊंगी, लेकिन ज़रा उससे पहले मैं इस जहाज पे बैठने की कोशिश करती हूँ। पहले तो मैं सबको ये कहना चाहूँगा कि सबको डिफेंस डे मुबारक। जितना भी हम ऊपर उठते हैं उतना ही अल्लाह के हम गरीब होते। कॉकटेल ज़रूर पिया होगा? नहीं, कॉकटेल नहीं पिया। बच गए। आपका ड्रीम क्या है? मैम फाइटर प्लेन। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद। ये जो परेड जो अभी आपने की, इसका मकसद क्या होता है? पूरी कौम को मैसेज देना होता है कि नेशन नीड्स अस, वी आर ऑलवेज देयर फॉर देम। पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरी फिदाओं में दुश्मन ना बच सके। क्या लड़कियों के लिए मुश्किल नहीं होता? नहीं, ऐसा नहीं है, मोटिवेशन होती है, फिजिकल थोड़ा सा ब्लैक कर जो भी आपको नंबर कहूंगी उसी पे लगेगा, उसी पे लगेगा। कितनी हाइट पे जाता है ये? हम इधर 200 फीट पे फ्लाई कर। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आप सब के? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम आएंगे बहुत जल्द लाहौर, तो मैं यहाँ पर मौजूद हूँ लाहौर में, और लाहौर से लाइव शोज़ कर रही हूँ। और आज जहाँ मैं मौजूद हूँ वहाँ से शोज़ नहीं हुए अभी तक। और एक हमारे पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, हमारी इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम, मैं उनके यहाँ मौजूद हूँ, लेकिन उनके घर पर मौजूद नहीं हूँ, उनके शहर में और उनके सैलून के बाहर मौजूद हूँ। जी हाँ, मैं हदीका कियानी सैलून के बाहर मौजूद हूँ। और मुझे बहुत सारे लोगों ने जो है वो मैसेजेस किए कि प्लीज़ आप उनके सैलून से जो है वो शो करें, हमें उनके काम के हवाले से बताएं कि ये जो उनका बिज़नेस है वो उन्होंने कैसे सोचा, क्यों ये ख्याल आया, और ये कितना इम्पोर्टेंट है लाइफ में कि आप ऑलरेडी कामयाब हों, उसके साथ इस तरह आप कुछ और भी कर रहे हों। तो मुझे लगा कि वाकई ये अच्छी बात है, हमें जानना चाहिए, और हमें अपनी जो है वो हमारी जो सिंगर्स हैं, हमारे जो आर्टिस्ट हैं, हमारे जो स्टार्स हैं, उनसे इस तरह की बात करनी चाहिए। मैं ज़रा अंदर जाती हूँ। उफ, लाहौर की गर्मी। ओके जी, मैं अंदर आ चुकी हूँ। हाय, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं? गुड मॉर्निंग भाई, थैंक यू सो मच। प्लीज़, आज जो मैं जब से लाहौर आई हूँ, मैं कह रही हूँ मेज़बान बने मेहमान, और हमें लग रहा है कि हम मेहमान बन गए भाई। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि एक तो आपका इंटरव्यू, एंड पूरा पाकिस्तान एक्साइटेड है, और मुझे बहुत सारे ढेर सारे आपके लिए मैसेजेस, इनफैक्ट मेरी बहनों ने मुझे मैसेजेस किए कि हदीका से ये ज़रूर पूछना, हदीका से ये ज़रूर पूछना। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं ज़रूर। हाय, यू लुकिंग सो प्रीटी, माशाल्लाह माशाल्लाह। थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो मैंने कहा मैं वो ज़रूर पूछूंगी, और बाकी लोगों ने आपके सैलून के हवाले से कहा है कि वो पूछना है, और आप बाकी, मैंने कहा मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूँ। एंड आप मुझे बताएं, आवाज़ खूबसूरत, दिल खूबसूरत, चेहरा खूबसूरत। यहाँ माइक लगा हुआ है, अदरवाइज मैं वो ऐसे करके ऐसे। मुझे बताएं ये कैसे, मतलब आपका दिल भी खूबसूरत है हम सबको पता है, आपका चेहरा खूबसूरत है वो भी हम सबको पता है। ओह माय गॉड, तो आपकी आवाज़ खूबसूरत है वो हम सबको पता है। यू आर ब्लेस्ड, माशाल्लाह। बाकी पीछे क्या रह जाता। अब आप लोगों को खूबसूरत बनाती हैं मेकअप करके। आप लोगों का प्यार है, और मेरे ख्याल में सब चीज़ें खुदा की तरफ से गिफ्ट हैं। और आई थिंक अगर पॉजिटिव अप्रोच हो लाइफ में, और आप किसी के लिए बुरा ना सोचते हों, और आपके दिल के अंदर लोगों के लिए नरमी हो, और उसमें करप्शन का एलिमेंट ना हो, और आपकी फिर मेरे लिहाज से अगर आपकी परवरिश पे भी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपका ब्रॉटअप जो है उसमें आपके पेरेंट्स की तरफ से, आपकी मदर की तरफ से, फादर की तरफ से, जो जिसका एटमॉस्फेयर होता है, उसमें अगर कमी ना हो, और उसमें वैल्यूज़ दिए जाएँ, नॉर्म्स दिए जाएँ, एथिक्स दिए जाएँ, तो हर चीज़ का एक कंपाउंड बन जाता है, और वो चीज़ इफ़ेक्ट करती है आपकी लाइफ में। और फिर प्लस ये कि मैं समझती हूँ अब जाके कि अब मुझे ये चीज़ का एहसास होता है कि आपकी लाइफ में पॉजिटिव लोग
बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि मोस्टली लोग जो हैं वो नेगेटिव होते हैं या आपकी एनर्जीज को बिल्कुल वो ले लेते हैं कहीं ना कहीं से अपनी नेगेटिविटी से. सो आई थिंक इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट टू बी सराउंडेड बाय पॉजिटिव पीपल अराउंड यू. लेकिन वो भी बड़ा मुश्किल है कि आपको कैसे पता चले. और जब तक हमें पता चलता है कि ये तो नेगेटिव लोग थे तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है. तो मुझे ये बताएं कि पॉजिटिव लोग कैसे चुनती हैं या वो भी अल्लाह की तरफ से आपके आसपास पॉजिटिव रहे लोग या अगर होते हैं तो अगर नेगेटिव लोग हैं पॉजिटिव नहीं है तो उनको डील करना क्या आपके लिए आसान हो जाता है. किस तरह डील करते हैं. सर कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि आप नेगेटिव एनर्जीज खुद भी अट्रैक्ट कर रहे होते हैं. आप खुद भी अट्रैक्ट कर रहे होते हैं नेगेटिव एनर्जीज. नेगेटिव लोगों को भी अट्रैक्ट कर रहे होते हैं आप सम हाउ. मैं अट्रैक्ट उस तरह नहीं करती लेकिन मुझे ये ज़रूर होता है कि मैं पेन को ज़रूर अट्रैक्ट कर लेती हूँ. कि अगर कोई पेन में है और कोई सैड है तो वो मुझे महसूस हो जाता है और फिर मेरा दिल चाहता है कि मैं उसको डिग करूँ उसमें से पूछूँ कि उसको क्या इशू है क्या मसला है. एंड इफ़ आई कैन इन माई ओन लिटिल कैपेसिटी अगर मैं उसको किसी तरह से उसको हेल्प आउट कर सकूँ तो मैं कर लूँ. अल्हम्दुलिल्लाह ये जो बिज़नेस मैंने किया है इसको अब चंद साल हो गए ऑलमोस्ट 7 years हो गए. और इसको मैंने जब बनाया था तो मैंने बाखुदा एक चीज़ सोच के बनाया था कि आई एम गोइंग टू हेल्प आउट उन बच्चियों को जो कि पढ़ी लिखी नहीं है और जो कि प्रिविलेज नहीं है तो उनको मुझे स्किल वर्क देना है. तो मेरे पास साल में वो कामयाब और अल्लाह का शुक्र है कि वो बच्चियाँ जो जूनियर्स थीं अब वो 7 साल के अंदर उनको इतना स्किल मिल चुका है कि वो अपने पाँव पे खड़ी हुई हैं. उनके अंदर हुनर आ गया है और अपना कुछ भी कर सकती हैं. वो लाइफ में अपनी अपने पाँव पे खड़ी हो गई हैं. अच्छा मुझे ये बताएं कि इतने पॉजिटिव थिंकिंग हुई जो हम बात कर रहे थे कि परवरिश, तो आपकी परवरिश में सबसे बड़ा हाथ किसका है. और एक तो वालदा आई एम श्योर अबाउट इट एंड वालिद साहब इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो उनकी आपकी बहुत यंग एज में जब आप शायद 3 साल की थी तो उनकी डेथ हो गई. तो उसके बाद या मामू या चचा या घर का मर्द कौन था. खातून में आई एम श्योर कि अम्मी घर का कोई मर्द. घर का मर्द मेरा भाई. ओके. ही हैड ऑलवेज बीन लाइक अ फादर फिगर इन माई लाइफ. और बहुत ही समझ लेना कि 3 years की मैं थी. ठीक है. और इसी तरह 5 years का वो था. 6 years की मेरी बहन थी. बहुत छोटे छोटे थे छोटे छोटे बिल्कुल 5-6 साल के बच्चों को क्या पता होता है. लेकिन उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ फादर फिगर उसी वक्त से आई भी थी. एंड वॉज़ अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी. लेकिन ये और वो वैसे भी अभी हमेशा ही इज़ ऑलवेज अहेड ऑफ हिज एज अहेड ऑफ हिज टाइम ऑलवेज प्रोटेक्टिव लेकिन एट द सेम टाइम वेरी लिबरल. और लेकिन आप ये देख लें कि घर का मर्द अगर मैं कहूँ तो ठीक है लाला तो मर्द था लेकिन मेरी वालदा जो थी वो भी वालिद भी थी और वालदा भी थी. और उन्हीं की परवरिश ऐसी थी कि मैंने कभी उनको इस तरह से ना रोते हुए परेशान होते हुए वाइन करते हुए ऐसे देख कभी नहीं देखा मैंने उनको. कि हमेशा स्ट्रॉन्ग थी और शायद इसीलिए इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि वो बच्चों को इस तरह डिप्रेशन में देखना नहीं चाहती थी. इसीलिए उन्होंने हमें एक साइकोलॉजिकल प्रेशर से हटा के हमें म्यूज़िक में और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ रखा. अच्छा म्यूज़िक में और उसमें आना कितना मुश्किल था. मतलब 23 साल पहले अगर हम जाएं इतनी यंग एज में शुरू करना और लोगों ने और घर वालों के बच्चों को बाहर निकाल दिया. बच्चे क्या गाएंगे बच्चे अब पढ़ेंगे नहीं तो काम क्या करेंगे. यू नो इस तरह ख़ानदान में बात होती हैं लोग बातें करते हैं. अम्मी ने उन चीज़ों को फेस किया तो वो कितना मुश्किल था. आई थिंक वो ये वाली बात है कि आपकी चॉइसेस की बात होती है लाइफ के अंदर. और जब आपका पैशन स्ट्रॉन्ग हो तो वो रास्ते खुद ही निकलते जाते हैं और आपको खुद समझ भी नहीं आती सनम कि आपके लिए लाइफ किस तरह अनवाइंड होती चली जाती है. म्यूज़िक में डेफिनेटली बचपन से वो एक स्ट्रीक तो थी. वो कहाँ से है वो चीज़ पता नहीं. तीनों में थी मेरी बहन में भी मेरे भाई में भी. माय
माई सिस्टर सिंग्स वेरी वेल और अब मैं उसको पुश कर रही हूँ, शी लिव्स इन अमेरिका, और मैं उसको पुश कर रही हूँ कि प्लीज़ यू नो दिस इज़ हाई टाइम नाउ जस्ट सिंग बिकॉज इट्स फन लाइफ. और वो अब इस चीज़ के ऊपर कन्विंस हुई हुई है, तो शी माइट बी सिंगिंग, यू माइट हेयर हर सिंगिंग इंशाल्लाह सून. तो लाला के अंदर प्रोडक्शन, हमारे अंदर म्यूज़िक की स्ट्रीक थी. और जब स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे थे तो सोचा भी नहीं था कि म्यूज़िक को प्रोफेशन बनाएंगे, बिकॉज एट दैट टाइम म्यूज़िक को प्रोफेशन बनाने वाले लोगों का एक ख़ास लेबल वो लोग लगा देते थे, और उस लेबल का मतलब भी नहीं समझ आती थी कि वो लेबल क्या है. लेबल में मरासी का लेबल था, और मरासी जो है वो हमारे सोसाइटी के अंदर एक नेगेटिव कॉनोटेशन में लिया जाता है ना. लेकिन लोगों को ये समझ नहीं आती कि मिरास से है मिरासी, जैसे बट चौधरी, कोई भी आप जितनी भी जातें आप लेते हैं, और मिरास के अंदर अगर एक चीज़ चलती चली आ रही है, तो मेरे मिरास में तो नहीं थी, मेरे मिरास में तो कोई भी नहीं था म्यूज़िक में. तो उसमें ये था कि हमारे लिए ज़्यादा चैलेंजिंग था, और मेरी जो क्यानी फैमिली थी स्पेशली फादर की साइड, तो वो दे नेवर लाइक्ड इट, दे नेवर अप्रूव्ड इट. लेकिन उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है हमारे वाली, वो ऑब्वियसली दे रिलेट विद इट, एग्जैक्टली दे टेक प्राइड इन दैट कि हाँ ये अच्छी चीज़ है. लेकिन उन्होंने कभी अप्रूव नहीं किया इस चीज़ को कि हम क्यानी और कैसे. हाँ, फिर अम्मी ने बचपन में रोका कि हदीका नहीं, बस नहीं जाना, नहीं करना. अम्मी का सिर्फ ये था कि एजुकेशन कम्प्लीट होनी चाहिए, इसके आपके ग्रेड्स अच्छे आने चाहिए, यू हैव टू फोकस ऑन योर स्टडीज एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज. पुश उन्होंने पुश दी है हमें इस चीज़ में कि करो, इसको अच्छी बात है बेटा. कभी आज तक रोका ही नहीं किसी चीज़ से, इसलिए कि उनके अपने साथ कुछ इस तरह हुआ था कि उनकी फैमिली ज़रा थोड़ी सी, एक तो रिलीजियस भी थे बहुत ज़्यादा मेरे नाना नानी, तो उनके लिए था कि म्यूज़िक तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए. लेकिन मेरी मदर को सितार बजाने का बहुत शौक था कॉलेज में, शी वॉज़ अ हॉस्टलाइट, तो वो उन्होंने अपने पॉकेट मनी से सितार ख़रीदा. जब वो घर लेके आईं तो मेरे नाना ने कहा कि चूंकि वो मौज़न भी थे, हेडमास्टर भी थे अपने ज़माने के, तो उन्होंने ज़बरदस्त तो ठीक है, लेकिन मेरे नाना ने सितार फेंकवा दिया गली में कि तुम ये कॉलेज में ये लेके आई हो, तुम बजाय के किताबें और चीज़ें लाने के तुम सितार लेके आई हो, सितार फेंकवा दिया. सो दैट वॉज समथिंग विच वॉज हिडन इन हर, उनके अंदर वो चीज़ दबी रही कि मेरी एक चीज़ वो सप्रेस हो गई ना, मेरे बच्चों के नाम, उनके ख्वाब नाम. यस, वो सिंगर नहीं थी, उनको म्यूजिक का शौक था, और उनको ये था कि इसमें क्या बुराई है, ये तो एक मासूम सी चीज़ है, म्यूजिक तो एक मासूम सी चीज़ है ना, तो उसमें एक आर्टिस्टिक चीज़ है, उसमें मासूमियत है, उसको कैसे आप फेंक सकते हैं. वो चीज़ अम्मी के अंदर दबी रही. उन्होंने अपने ख्वाब हमारे थ्रू पूरे किए सबके सब, और उन ख्वाबों की ताबीर देखी, कामयाबियाँ देखी, अवार्ड्स देखे. और मेरे वालिद जो थे वो बहुत बहुत खूबसूरत शायरी करते थे, और वो शायर थे अपने ज़माने के, महमूद अख्तर कियानी, और उनके हल्का अहबाब में अहमद फराज, मुनीर नियाज़ी, कतील शिफाई साहब, ये सब उनके हल्का अहबाब में थे. और उनकी अच्छी आवाज़ थी मेरी वालदा के बकौल, कि वो जब शेर व शायरी करते थे तो मुशायरे में वो गाते हुए, हाँ, जिस तरह आप सुनते हैं ना पुराने जमाने, तो वो मेलेडी करके, तो वो उसको गा के फिर करते. इसका मतलब कि इनका तो कमाल है ही, लेकिन ये जो ये आर्ट और ये जो ये मिरास आपको मिली हुई है ना, ये कहीं ना कहीं से आ रही है, ये अम्मी और अब्बू इन सब की तरफ से, ये जो आर्टिस्टिक मिरासी या मिरास जो भी है ना, जो भी आप कह लेते हैं ना, आपकी आपकी जीन्स में वो है, इनहेरिटेंस के अंदर. तो क्रेडिट अम्मी और अब्बू को जाता है ना बिल्कुल जाता है. मैं अभी आपसे बहुत सारे सवाल, आपने बहुत सारे धागे ये पहने हुए हैं, तो ये क्वेश्चन आ रहा है, ये धागे शौक में पहने हैं, पसंद है, दुआ के हैं हम लोग ये कैसे? मैं जाती रहती हूँ कहीं ना कहीं, ये तो कुछ भी नहीं है, मेरी पूरी जो है ना वो कलेक्शन ऐसी धागों की, वो श्राइन्स पे से लाई हुई हूँ मैं. कब से, कहाँ कहाँ जाती, सबसे कहाँ दिल से जाती हैं, दिल से जहाँ पे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता हो, जबकि हर जगह पे बहुत सुकून, लेकिन कोई हज़रत शहबाज कलंदर के. कब कब जाती हैं वहाँ पे? मोस्टली एवरी ईयर जाती हूँ. ठीक है. और जब जब मेरा कहीं कराची का चक्कर लगता है तो मैं चली जाती हूँ, लेकिन ये कि कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में कॉल आती है तो मैं चली जाती हूँ.
और बाकी एक मैं हाँ बिल्कुल आती है और एक फीलिंग होती है कि मुझे जाना है तो मैं और कब से ये चीज़ अंदर में कब से आई थिंक 15 ईयर्स ऑलमोस्ट 15 ईयर्स हो गए हज़रत दाता दरबार पे तो मैं बचपन से कहीं ना कहीं लाहौर आती थी तो चली जाती थी लेकिन यह है कि ये चीज़ मेरे अंदर है बाकी मैंने एक इंटरव्यू में पहले भी ये चीज़ अपनी ऑडियंस को क्लियर की थी कि मैं श्राइन्स पे जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उनसे दुआ करने नहीं जाती मैं रब से दुआ करने के लिए जाती हूँ मैं सिर्फ उनको एक सलाम करने फातिहा पढ़ने के लिए जाती हूँ उनसे मांगने के लिए नहीं जाती ये मैं अपने रब से मांगने के लिए जाती हूँ और स्पिरिचुअलिज्म है भी यही कि आपकी वननेस होनी चाहिए आपका कनेक्शन होना चाहिए अपने रब के साथ और आप ऐसे नेक लोगों की जगहों पे जाते हैं तो आपका भी दिल चाहता है कि कहीं ना कहीं आप भी कुछ नेकी करें क्योंकि उन्होंने बहुत बहुत उनकी कंट्रीब्यूशन है ह्यूमैनिटी पे उनकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है उन्होंने बहुत जो हमारे बेसिकली इस्लाम के अंदर है या जो हमारी बुक में है कि ह्यूमैनिटी कम्स फर्स्ट इंसानियत पहले आती है उसके बाद रिलीजन का बेसिक कोर जो है वो यही है कि इंसानियत होनी चाहिए बिल्कुल अच्छा और मैं एक बात करना चाहूँगी कि एक तो जितना हम लोगों को मुझे अब लगता है कि हर किसी का अपना दिल और दिल होता है आप किसी को जज नहीं कर सकते बट आप लोग सारे इतना जज करने लगे हैं लोगों को इसने ये क्यों किया ऐसे हर कोई आपकी तरह ज़िंदगी नहीं गुजार सकता हर कोई आपके सांचे में नहीं ढल सकता आपने अपने दीन का सांचा अपना दुनिया का सांचा अपने हिसाब से ढाला हुआ है और आप चाहते हैं कि दूसरा उसमें ढल जाए वो आपका सांचा बना हुआ है ठीक है हो सकता है कहीं किसी के लिए आप भी गलत हो सिर्फ दुआ के लिए हाथ नहीं उठते अगर कोई मज़ार पे जाता है तो ट्रस्ट मी अगर ये हाथ उठते हैं तो फातिहा पढ़ने के लिए भी उठते हैं तो ये जज ना करें कि इसने हाथ दो उठाएं तो दुआ के लिए उठाए होंगे हो सकता है कि वो जबान से दिल में दिमाग से किसी के लिए फातिहा पढ़ रहा हो एनर्जीज होती हैं ना एनर्जीज होती हैं कि हम कहते हैं नज़र बरहक है और हम इस जादू है मैं बिल्कुल रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं करूँ क्योंकि मैं बिल्कुल नालायक हूँ इस चीज़ के अंदर मुझे इतना पता है कि कोई भी रिलीजन हो उसमें नज़र तो बरहक है और वो नज़र क्या है नेगेटिव एनर्जीज़ हैं जो कोई किसी को बुरे तरीके से देख दिया किसी ने और एक दिल से आह निकाल दी कि हाय इसके पास इतना पैसा क्यों है हाय इसने ऐसे कपड़े क्यों पहने हाय इसके हाथ कितने अच्छे हैं या इसने ओह मेरे पास ये नहीं है इसके पास तो ये है वो हाय जो होती है ना हाँ वो नज़र है मेरे लिहाज से वो बैड नेगेटिव एनर्जीज हैं उससे अपनी प्योरिफिकेशन आप जिस भी अंदाज में कर लें आप मुस्लिम हैं आप अपने रब से जिस मर्जी तरह कनेक्ट करना चाहते हैं मैं कहती हूँ रब की ज़ात हैं मुख्तलिफ रस्ते हैं बिल्कुल और हर कोई अपने रस्ते से पहुँचता है एग्जैक्टली ठीक है हमारा रास्ता हम कहते हैं बहुत अच्छा है और इसमें कोई डाउट नहीं है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि हम मुसलमान हैं और हम उस रास्ते पे जाते हैं अपने अंदाज में लेकिन हम दूसरे को भी कैसे बुरा कह सकते हैं वो उसकी लर्निंग है वो जिस मर्जी तरीके से अपने रब की तरफ पहुंच जाए बाकी है कि जो इंटरनेट के ऊपर मैं देखती हूँ मुसलमानों का हाल मुझे तकलीफ इस बात पर होती है कि इंसानियत किधर है मुसलमान कि हम तो देख रहे हैं कि लोग मर रहे हैं डिप्रेशन से कमेंट्स पढ़ पढ़ के अभी आपने रिसेंटली देखा है अनम तनौली का हाँ मतलब एंड देर आर सो मेनी अदर केसेस कि जिसमें दुख होता है तकलीफ होती है कि बीइंग मुस्लिम्स बीइंग ट्रू मुस्लिम्स हाउ कैन वी बी दैट नेगेटिव अगर आप रब को मानने वाले हैं और आप अपने रसूल को मानने वाले हैं तो आप कैसे किसी का दिल दुखा सकते हैं अपने अल्फाज से बिल्कुल हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी जो ज़िंदगी है या उनका जो एक हयात का पूरा अगर आप पढ़ लें तो उन्होंने तो अपने दुश्मनों के साथ जिन्होंने उनके साथ इतना बुरा सलूक किया उनके साथ भी उन्होंने कभी बुरे अल्फाज में नहीं बोला जब हम उनको अपना मेंटोर मानते हैं रोल मॉडल मानते हैं कैसे इतने ज़ालिम हो सकते हैं और फिर हम कहते हैं कि जी हम बहुत अच्छे मुसलमान हैं और रमज़ान में बैठ के जी दूसरे के दुपट्टे पे भी आप क्रिटिसाइज़ करते हैं और गाली के साथ करते हैं और आप आई एम श्योर कि आप उस वक्त रोज़े में होते होंगे
बट आप दूसरे को वो कर रहे होते हैं, तो अब मैं कहती हूँ आप रिवा में झांक के देखें, तो किसी के कपड़ों के ऊपर, किसी के जूतों के ऊपर, किसी की शक्ल के ऊपर, किसी की एज के ऊपर, कि हाय अल्लाह बुड्ढी है इसने, ये क्या पहन लिया, वो शक्ल कैसी हो गई, क्या हो गया, इसने ये क्या पहना हुआ। भाई अगर उसने जो भी पहना हुआ उसका और उसके खुदा का मामला, आप कौन है, आप ना देखें, आप बंद कर दें, बिल्कुल नहीं, यू शुड नॉट कमेंट, आप उस रास्ते से हट जाएं ना, पेज पलट दें, मस्त है ना गाली देना, तो मतलब मजा आएगा ना, फिर डिस्कशन होती है, फिर आपस में बात करते हैं। आज तक कोई ऐसा मैसेज जिसने आपको बहुत हर्ट किया हो? क्या मतलब आप हर्ट हुई हो? मैसेजेस एक नहीं है, बहुत सारे होते हैं, लेकिन कोई एक जो दिमाग में रह गया हो या बिल्कुल पीछे फेंक देती हूँ, मैं कम्प्लीटली ओब्लिवियस हो जाती हूँ कि मैंने नहीं ना पढ़ने, ना मैंने उनका जवाब देना है, मैं क्यों इम्पोर्टेंस दूँ। मुझे अब ये अच्छा लगता है, मैं आपको एक बात बताऊँ कि शुरू में ना जब मैं बिल्कुल नया नया सोशल मीडिया और हम लोग आए तो लोग कुछ इस तरह के मैसेजेस करते थे, तो आई यूज टू क्राई, ऐसा कैसे लिख लिया, ये क्यों लिख लिया। अब जब मैं उदास होती हूँ या मैं अपसेट होती हूँ तो मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ और फिर अब मैं हंसती हूँ और मैं कहती हूँ इनकी नाकामी यही है कि अब हम हंसते हैं कि इन्होंने अपनी वो कुछ लोगों ने अहमियत ही वो ख़त्म कर दी है, उनके कमेंट की अब कोई अहमियत ही नहीं रही, तो वो चीज़ ही नहीं रही। तो आई थिंक ये इससे बड़ी मैं भी यहाँ पे आई बी अ लिटिल रूड हियर, ठीक है, जिस तरह मैं लोगों को कह रही हूँ कि हाँ वो बहुत इस तरह की बोलते हैं, उन लोगों के लिए मैं कह रही हूँ कि बहुत वेले हैं भाई, exactly बहुत वेले हैं, उनके पास बहुत टाइम है इस तरह की चीजें बकवासियात लिखने का है, वो बड़ा मैं उसको भी बोलती हूँ जो पॉजिटिव भी हो के यार हाँ बाकी मैंने ये चीज इस तरह की है तो क्रिटिसिज्म इस बात पे सही आया है, बट जो गालम गलोच तो पता नहीं क्या क्या लिखते हैं तो उनपे हंसी आती है। बराबर नहीं, डेफिनेटली बहुत प्रोग्रेसिव लोग भी बैठे हुए हैं और उनमें यंगर जनरेशन के भी लोग हैं जो बहुत अच्छे, बहुत सुलझे हुए और बहुत ही डिसेंट लोग भी हैं जो जो मीडिया पे बैठे हुए हैं, लेकिन उसमें जो कुछ कतरे हैं ना पॉइजन के वो तो हर जगह के ऊपर होते हैं, लेट देम जस्ट। अच्छा आपके लिए कॉल है और उसके बाद नज़र पे बात की, तो नज़र पे एक सवाल करूंगी कि नादे अली को कितनी प्यार की नज़र से देखती है, कि उसको प्यार आता है हाय, क्योंकि हम जब नादे अली को देखते हैं हम कहते हैं हाय, ठीक है, तो वो हमारी प्यार की भी कहते हैं नज़र लगती है, तो साथ में माशाल्लाह कहना चाहिए, तो उस पर बात करेंगे कि प्यार की नज़र से नादे अली को कितनी दफ़ा आप देखती हैं दिन में। लेकिन अभी एक कॉल, हेलो अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? मैं रावलाकोट से इशरत बात कर रही हूँ, रावलाकोट आजाद कश्मीर से, तो मैंने हदीका से बात करनी थी। जी बिल्कुल बात करवा रही हूँ मैं, आप बात करें। सबसे पहले तो वो मत मेरी फेवरेट है और दूसरी बात यह कि उनका जो गाना है मंदी मौज बिच हंसा वो तो बहुत फेवरेट है, और आप भी माशाल्लाह बहुत प्यारी हैं। और साथ में जो एक और बात करनी थी वो ये थी कि ये जो काम करा रही है ना पार्लर वगैरह का, तो उसमें मैं भी कोई सीखना चाह रही हूँ, तो इस सिलसिले में हदीका मेरी क्या हेल्प कर सकती है, या कोई मैं कोई नंबर हो कोई। अच्छा मुझे आप बताएं आप रहती कहाँ पर हैं? रावलाकोट आजाद कश्मीर। आजाद कश्मीर जी। अच्छा तो आजाद कश्मीर में रहती हैं और ये पार्लर का काम सीखना चाह रही हैं, उसमें देखिए आपकी हेल्प चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अभी 4 फ्रेंचाइजेज हो चुकी हुई हैं। पहली फ्रेंचाइज सियालकोट में, ओके, दूसरी फैसलाबाद में, थर्ड भूरेवाला और चौथी रावलपिंडी बहरिया टाउन में। और ये सब जो ख्वातीन हैं ये मेकअप आर्टिस्ट नहीं थी, इनको शौक था, इनको मेकअप यहाँ पे सिखाया गया, इनकी पूरी टीम्स को बुला के, साथ साथ 8-8 लड़कियों की टीम्स को, जो कि बिल्कुल जिनको कुछ नहीं आता था, उनको हमने एक महीने की कंप्लीट ट्रेनिंग दी, इंटर्नशिप करवाई प्रॉपर सुबह 11 बजे से रात के 8 बजे तक, और इनको मैंने भी मास्टर क्लासेस दी हैं, और हमने पूरे SOPs बना के पूरा सैलॉन का एक स्ट्रक्चर उनको सेट करके, इवन हम हायरिंग में भी हेल्प करते हैं, मेरी जो पूरी टीम है मैनेजमेंट की वो हायरिंग में भी हेल्प करती है। आज आप फैसलाबाद का सैलॉन देख लें, भूरेवाला का सैलॉन देख लें, सियालकोट का सैलॉन देख लें और रावलपिंडी बहरिया टाउन का देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह दे आर डूइंग सो वेल। तो अगर ये आना चाहती हैं
तो सौ बिस्मिल्लाह ये भी आए। मैं चाहती हूँ कि बल्कि पाकिस्तान की जितनी भी छोटे छोटे और बड़े एरियाज हैं इंक्लूडिंग लाहौर कराची ऑल दीज प्लेसेस, मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे ज्यादा। कब आ रही हैं आप? आ जाऊंगी कराची को। क्यों आप कराची में? कराची में कराची से कोई दुश्मन नहीं है, इतने फैंस हैं आपके कराची वाले। कराची में कोई कोई अगर ऐसी खातून हो या खवातीन हो, कराची में तो बहुत सारे सलोन्स बन सकते हैं। और मैं चाहती हूँ बल्कि के पूरे पाकिस्तान में हमारे सलोन की ब्रांचेस हों, और ख़ास तौर पर जो खवातीन जिनके पास पैसे की कमी नहीं है, उनके पास पैसा है, उनके हस्बैंड्स के पास पैसा है, तो वो इस चीज़ पे लगाएं और एज अ सोशल वर्क भी लगाएं कि वो अपनी जगह के इलाके की बच्चियों को ट्रेन करेंगी, काम देंगी, उनकी जिंदगियां बनाएंगी। आज जो मेरी फ्रेंचाइजीज हैं जिनमें हुमा हैं, आयशा हैं, तहमीना हैं बूरेवाला की, कुरतुल ऐन हैं रावलपिंडी बैरिया टाउन की, वो बच्चियाँ स्पेशली, वो ये खवातीन स्पेशली उन बच्चियों को हायर करती हैं, क्योंकि मैंने इन लोगों को इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं कि आपने ज़्यादा उनको प्रेफरेंस देनी है जो कि बच्चियाँ बिल्कुल छोटे छोटे इलाकों की हैं जिनको कुछ नहीं आता, उनको वी नीड टू सपोर्ट दैम। बिल्कुल, आज वो हुनर मिलना सीखें, कमाना शुरू हों, अपने पाँव पे खड़ी हों, तो उनकी फैमिली के अंदर एक रिस्पेक्ट वैल्यू भी कहीं और चली जाती है। लेकिन आज भी कहीं ना कहीं अधिका ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास। हमारे पास और भी कॉल्स है ना, मैं कॉल लेती हूँ फिर हम मजीद उनसे बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? जी मैं शुबाना बोल रही हूँ, गाजर टाउन। जी क्या बात करना चाहेंगी? जी मैं ये कहना चाहती हूँ क्या मुझे हतिका क्यानी के पार्लर में जॉब मिल सकती है? स्वीट हतिका, मुझे तो इतना अच्छा लगा। बाकी सब आप शबाना, आप मेरे सैलून में आए, मैं आपका खुद इंटरव्यू लूंगी, और अगर आपको जॉब चाहिए तो मैं पर्सनली आपको जो है वो बैठ के आपसे बात करूंगी, और इंशाल्लाह अगर आपको कुछ नहीं आता तो सिखा भी देंगे आपको। यहाँ जरूर, ये तो बहुत मुझे तो अच्छा। अब आपने कॉल कर दी है तो फिर इसका मतलब है कुछ हाँ, तो करना पड़ेगा ना। ठीक है ना, तो इंशाल्लाह जरूर कुछ करेंगे। और अभी छोटा सा ब्रेक, बहुत सारे सवाल हैं, और एक सवाल था जो सबरीन ने मुझे कल रात को स्पेशली मैसेज करके और कॉल पे कहा, सबो मेरी बहन है। अच्छा। और सबरीन ने मुझे कहा कि उनसे पूछना कि क्योंकि हम सिंधी हैं, तो वो जो सिंधी गाना इन्होंने गाया उसको याद करने में इनको कितने दिन लगे, किसने एक्सेंट किसने सिखाया तो बताना। तो मैंने सोचा था मैं पूछूंगी कि आपने बाकी जबानों में भी बहुत गाया है तो कितना टाइम लगता है सीखने में, याद करने में, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। लेकिन फिलहाल हम अगर कोई गाना गाते हुए ब्रेक पे जाए, आपकी फरमाइश है क्यों? अब मेरी प्रोड्यूसर मतलब वो उनका मेरी फरमाइश चलेगी, आज मैं होस्ट हूँ यहाँ पे इतनी फरमाइशें आ रही है ना मेरे कान में, ये गाना सुना देती हूँ। तेनाले कंधा टपके बूहे बारियां, तेनाले कंधा टपके आवागी हवा बनके बूहे बारियां है बूहे बारियां। इसके बाद एक और सुनाऊंगी आपको, ब्रेक पे जाएं फिलहाल। चलें जी, हमारा गिटार भी आ चुका है, मैंने ट्राई किया कुछ बजाने, फिलहाल ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। और नादे अली की हमने बात जो है एक सवाल वो छोड़ा है वो, उस पर बात करेंगे, इनके बचपन में बात करेंगे, मारे कितनी पड़ी, कभी अम्मी की मार पड़ी या नहीं पड़ी वो भी बात होगी। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद अब पूरा सैलून में इंशाल्लाह ताला आपको इनका दिखाऊंगी। तेरे नाल प्यार होया दिल पे करार होया, तेरे नाल प्यार होया दिल पे करार होया, तेरे नाल प्यार निभाण मैं आना है सजना वे सजना मैं तेरे कोल हाड़ा है सजना वे सजना वे सब कुछ छोड़ के ना
कचड़ा हाय हीर बन के मैं आना फिर मैं किते नहीं जाना तेरे संग जीना मर जाना है कोल तेरे बैठे रहना तेनु मैं हो कहना तेरे कोल वख नहीं रहना बड़ा हुण दूर होया मिलना जरूर होया बड़ा हुण दूर होया मिलना जरूर होया तेरे नाल प्यार निभावण मैं आना है सजड़ा वे सजड़ा मैं तेरे कोल आना हाय सजड़ा वे सजड़ा ओ डारी मार के मैं आना है सजड़ा हाय थैंक यू मीठा सुरीला थैंक यू ठंडा धीमा बहुत खूबसूरत थैंक यू एंड ऑनेस्टली हमें भी लगता है कि सिंगर्स जो है ना पता नहीं क्या क्या चीज़ें उसमें वो आवाज़ में ये करते हैं होता है वो होता है लाइव मतलब बहुत खूबसूरत कोई खराश मतलब एक मैं ये कुछ लोगों को ये कॉम्प्लीमेंट देती हूँ दो तीन लोग ऐसे हैं कि उनके गानों में कि बहुत साफ शफाफ आवाज़ वाली बात बहुत शफाफ आपकी आवाज़ भी शफाफ है थैंक यू सो मच है ना उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं आपकी पर्सनैलिटी की तरह आई थिंक आपकी नेगेटिविटी जो माशाल्लाह लोग तुम्हें बहुत प्यार करते हैं और मैं फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ हम फर्स्ट तो मुझे स्क्रीन पे भी लगता था कि शी इज़ सो नेचुरल नेचुरली ब्यूटिफुल सो टू लुक एट यू यू आर माशाल्लाह फ्लॉलेस थैंक यू माशाल्लाह एंड इट्स अ गिफ्ट अल्लाह ताला की तरफ से इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है हाँ कोई कमाल है आपकी आंखों का कमाल है आपके आंखों का कमाल है कि हमें लोग मैं ये समझती हूँ कि हर इंसान गिफ्टेड है किसी ना किसी हर इंसान गिफ्टेड है और ये सिर्फ खोज की बात है और अपनी अगर इंसान किसी लॉ में बैठा रहे और कुछ सोचे और कुछ देखे कि मेरे अंदर क्या ऐसी चीज़ है हर इंसान में कुछ ना कुछ अल्लाह ताला ने दिया है हम वो खूबियाँ ढूंढ रहे हैं वो अच्छाइयाँ हम हमेशा खामियाँ ढूंढ रहे होते हैं अपने अंदर देख रहे होते हैं हमारी ये चीज़ ठीक नहीं है हमारी वो चीज़ ठीक नहीं है अरे ये लाइन आ गई वो लाइन यहाँ से ये हो गया वहाँ से हो गया खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए सबसे पहले उठते साथ ग्रैटिट्यूड बिल्कुल किन किन चीज़ों का कहते हैं ना शुक्र अदा करें एग्जैक्टली बिनाई सुनना हाथ पाँव चलना फिरना बिल्कुल आई मीन जब से मेरी मदर को 13 साल से पैरालिसिस हुआ है और मैंने जब उनको देखा है कि इन 13 सालों के अंदर उनकी पूरी लेफ्ट साइड जो है वो ख़त्म हो गई है लेकिन वो अपनी आधी जो साइड उनकी चल रही है उसके ऊपर शी इज़ सो ग्रेटफुल कि उनका माइंड और उनकी बिनाई वो कहती हैं कि चलो मेरी कम अज़ कम एक आँख तो क्योंकि उनको दो स्ट्रोक्स हुए तो दूसरे स्ट्रोक पे उनकी लेफ्ट आई भी खत्म हो गई चली गई तो मतलब मैं समझती हूँ कि चलते फिरती भी मैं चलती फिरती भी औरत हूँ और मुझे उनसे हिम्मत मिलती है कि जब वो इतनी शुक्रगुजार हैं अल्लाह ताला की तो फिर हमें तो और ज़्यादा होना चाहिए अच्छा और पूरी ज़िंदगी उन्होंने जॉब की है 26 ईयर्स शी वॉज अ प्रिंसिपल और एजुकेशन की फील्ड में रही हैं लेकिन पूरी ज़िंदगी उन्होंने स्ट्रेंथ के साथ गुजारी है और
मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला की आजमाइशें ऐसी हैं कि आजमाइशें ख़त्म ही नहीं होती, और अगर इंसान ये सोचना शुरू कर दे कि मैं ही क्यों आजमाइशों के लिए पैदा हुई, मेरे साथ ही क्यों बुरा हुआ, मेरे ही वालिद की डेथ क्यों हुई जब मैं 3 साल की थी, और अगर मेरी मैं 3 साल की थी तो मैं इसलिए आगे नहीं बढ़ सकी क्योंकि मेरे वालिद की डेथ हो गई थी, क्योंकि मैं इसलिए आगे नहीं बढ़ सकी क्योंकि मेरी डिवोर्स हो गई, क्योंकि ये हुआ क्योंकि बंदे ने मेरे साथ ये कर दिया, भाई ने मेरे साथ वो कर दिया, उसने मेरे साथ ये कर दिया, सहेली ने मेरे साथ गड़बड़ कर दी। ज़िंदगी में हर इंसान की लाइफ के अंदर ऐसे बहुत से लोग होंगे जो आपको बहुत पीछे भी घसीटेंगे, आपके सर्कमस्टेंसेस भी आपको बहुत बुरे तरीके से एक गड्ढे में लेके जाएंगे, लेकिन उसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप अपने आप को जूते मारना शुरू कर दें कि मैं ही हूँ जिसकी वजह से ये सब कुछ हो गया है, मेरी फॉल्ट है, मेरी फॉल्ट है जिसकी वजह से ये हो गया, मेरी फॉल्ट। हम हमेशा अपने आप को कोड़े मार रहे होते हैं, हमें अपने पे रहम करना चाहिए, हमें अपनी ज़ात पे रहम करना चाहिए, हमें दूसरों पे भी रहम कर देना चाहिए, लेट गो कर देना चाहिए, फॉरगिव कर देना चाहिए। वक्त के साथ सीखा है ना अधिका, वक्त के साथ सीखा है ना, सोचती रहती हूँ बैठ के, तकलीफें बर्दाश्त करके, चीज़ें करके, उसके बाद ही खुद ही सोचा है, खुद ही अपने आप को ये किया है कि नहीं अच्छा नहीं, ऐसे नहीं तो ऐसे होना चाहिए, प्रैक्टिकली चीज़ों को देख के। बहुत 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 सारे डीमंस होते हैं हर इंसान के अंदर, डीमंस से मुराद कुछ लोगों को शायद ना उस वक्त लफ्ज़ का समझ आए, बहुत से हम लोगों की शॉर्ट कमिंग्स होती हैं, बहुत सारे हमारे ऐसे डार्क पहलू होते हैं कि जिनको हमें खुद ही फेस करना होता है। कोई किसी को ना हम ब्लेम कर सकते हैं अपने फेलियर्स का, और ना हम किसी को अपनी सक्सेस का ही वो कह सकते हैं, हर चीज़। और उस फेस से आपको कोई निकाल भी नहीं सकता कोई और, आपने खुद ही निकलना है, बिल्कुल कोई और नहीं आता, कोई और नहीं निकालता जब तक आप खुद ना निकलना। 100% एंड चेंज इज विद इन योर सेल्फ, चेंज हमेशा अपने अंदर से अपने मन से आती है, चेंज आउटसाइड दुनिया चेंज नहीं होगी, चेंज आपको ही होना है, आपको ही अपनी थिंकिंग को चेंज करना है। आप अगर आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड में अपनी चेंज ढूंढ रहे हैं और आप आउटसाइड अपने से बाहर कह रहे हैं कि ये चीज़ ठीक हो जाएगी तो फिर मैं ठीक हो जाऊंगी, वो चीज़ ठीक हो जाएगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी, अच्छा ऐसे हो जाएगा तो मैं ऐसे कर लूँ, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, बिल्कुल चेंज इधर से लानी पड़ेगी, अपने आप से, अपनी ज़ात से। और बॉडी की कोई चेंज नहीं होती, चेंज माइंड की चेंज होती है, बॉडी तो वक्त के साथ डिके कर ही रही है। आपका अमल भी चेंज करना पड़ेगा, आपको अमल भी चेंज करना, सोच से नहीं, जो सोचा फिर वो अमलन वो करें तो ही चेंज आएगा। जिस्म तो ऐसी चीज है जो जब बच्चा पैदा होता है तब से वो चेंज होना शुरू हो जाता है, उसके सेल्स और वो बुढ़ापे तक मरने तक आपकी बॉडी एवरी डे एवरी मिनट एवरी सेकंड चेंज हो रही है, चेंज हो रही है, चेंज हो रही है, उसको तो आप नहीं रोक सकते। बिल्कुल, और ब्रेक को भी मैं नहीं रोक सकती, मेरी मजबूरी, मुझे ब्रेक लेना है। लेकिन आप ये मत भूलिएगा कि ये मत समझिएगा कि मैं भूल गई हूँ अपने सवाल, मुझे सारे सवाल याद हैं कि बाकी लैंग्वेजेस में जब ये गाती हैं तो उनको याद करने में कितना टाइम लगता है, उसकी प्रैक्टिस में कितना टाइम लगता है, नादे अली के बारे में मैंने पूछा था, बचपन में मार कभी खाई नहीं खाई वो पूछा था, ये सारी बातें मैं इनसे पूछूंगी। और बहुत इंटरेस्टिंग हमारे पास कुछ सवाल हैं जो आप लोगों ने हमें भेजे लिख के, वो भी मैं पूछूँ, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। रावलपिंडी से ताल्लुक रखने वाली एक खूबसूरत आवाज, बचपन से ही अपनी आवाज पर उबूर हासिल था हदीका कियानी, जिन्होंने अपने फनी सफर का आगाज कम उम्र में किया और बहुत जल्द मकबूलियत की मंजिलों को तय कर लिया। हदीका की पहली एल्बम राज 1995 में रिलीज हुई जो बहुत जल्द आवाम में बेहद मकबूल हो गई। उनकी अब तक 5 एल्बम रिलीज हो चुकी हैं जिनमें राज, रोशनी, रंग और आसमान शामिल हैं। हदीका बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स हासिल कर चुकी हैं। पाकिस्तान की बेहतरीन पॉप सिंगर और सॉन्ग राइटर हदीका कियानी ने 2012 में खुद को एक स्टाइलिस्ट के तौर पर भी मनवाया। आज होंगी हदीका कियानी से दिल की बातें सुबह सवेरे समा के साथ में। ओके
ओके जी, वेलकम बैक। हम लोग वापस आ चुके हैं। हदीका कियानी सैलून पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ, लाहौर में, डिफेंस में, है ना। और बाकी तो कराची में इंशाल्लाह बहुत जल्द, हैदराबाद, अब मैं इनको जरा सिंध की तरफ भी लेकर आऊंगी। अच्छा, अभी हम फेसबुक पे लाइव गए तो उसमें बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे सवाल किए। एक तो मुझे ये बताया कि हदीका कियानी सैलून आगे क्या प्लान्स हैं, सैलून की हद तक ही होगा या कुछ प्रोडक्ट्स भी हमें चाहिए भाई? इसका ब्रांड बेसिकली मैं HK का रख रही हूँ, HK ही का ब्रांड जो है ना वो आगे करूँगी। तो HK सैलून जो है वो इंशाल्लाह पूरी पाकिस्तान में, फिर इंटरनेशनली भी जाऊँगी इंशाल्लाह। और प्रोडक्ट्स का सोच रही हूँ और उस पर काम भी कर रही हूँ। काम? यस, आई एम वर्किंग ऑन सम हेयर प्रोडक्ट्स एंड सम स्किन एंटी एजिंग। ये बहुत ज़रूरी है, हमारी आंटियाँ, हमारी ख़वातीन, हमारी माएँ बड़ी परेशान हैं। नहीं तो वैसे होना चाहिए ना। हाँ। वो बहुत, क्योंकि कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत रीजनेबल ब्रांड होंगे। हाँ, तो और ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक वाह इंशाल्लाह। अच्छा, खाने में भी बहुत रीजनेबल, खाने में क्लीन फूड ठीक है। बहुत ज़्यादा पानी, और आई थिंक पानी, स्लीप, आपकी नींद अच्छी होनी चाहिए। कितने घंटे की नींद करती हैं? 8 hours almost, कभी कभी 6 भी हो जाते हैं, लेकिन 8 रात को जागती हैं, दिन में सोती हैं, दिन में सोती हैं रात। अगर मैं रात को 2 बजे भी सोऊं तो मैं सुबह उठ जाती हूं अपने बेटे को छोड़ने के लिए। हाँ, स्कूल नादेली को। ओके, मुझे बताएं, लेकिन मैं 8 घंटे की नींद पूरी कर लेती हूं। नादेली का नाम नादेली रखा, इतना खूबसूरत नाम, ठीक है। और नादेली को देख के जिंदगी की थकावट दूर होती है, नहीं होती? बिल्कुल, मेरे ख्याल में उसने मुझे कम्प्लीटली एक री इन्वेंट किया है मेरे, समझ लें कि मैं अब ये नहीं कहूँगी कि आई थिंक हर लड़की के अंदर एक मदरहुड होता है, बचपन से ही होता है, उसके अंदर एक स्ट्रीक ज़रूर होती है, लेकिन नादे ने मुझे लाइफ का एक नया मीनिंग बताया है कि मैं सेल्फलेस हो गई, कम्प्लीटली सेल्फलेस, अपने बारे में कम, दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचना, बेटे के बारे में ज़्यादा सोचना, उसके फ्यूचर के बारे में सोचना, उसकी एजुकेशन, उसका ये, उसका वो, हर चीज़। मतलब वो अपने मुंह से निकालता है कि मामा आपने बिरयानी बनानी आज, तो मेरा मैंने कुछ भी दुनिया में करना हो मुझे बनाना है, उसके लिए पकाना है, फरमाइश करते हैं, नाश्ता करवा के भेजती हूँ, खुद बनाती हूँ, खुद उसका बैग बनाती हूँ, खुद उसको पढ़ाती हूँ। Yes, तो बहुत प्यारा है, खुद उसके कपड़े इस्त्री करती हूँ मैं। wow, हाँ, मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई और कर उसका रहा हो। इंटरनेशनली जाना पड़े कॉन्सर्ट्स के लिए, उसके लिए तो फिर उसके लिए मैं इंटरनेशनली बहुत लंबे लंबे टूर्स इसीलिए नहीं लेती, और अगर करती हूँ तो वो फिर सिर्फ उसकी छुट्टियों में क्योंकि वो मेरे वीडियो कॉल, मेरे दो बच्चे हैं, मेरी मदर और मेरा बेटा, so I can't leave them, मैं उनको ज़्यादा देर के लिए नहीं छोड़ सकती। हाँ, बहुत छोड़ नहीं सकती। नादे लेकिन शरारते करते हैं? नादे बहुत माशाल्लाह सेंसिबल है, अगर मुझे शॉपिंग का जिस तरह बहुत ज़्यादा शौक है, और कपड़ों का, और ग्रोसरी करती हूँ जब मैं उसके साथ, तो उसके अंदर एक बूढ़ी सी सोल है, वो मुझे रोक रहा होता है, मामा पैसे बचाएं, मामा आप क्यों लगा रही हैं, इस तरह क्या कर रही हैं, तो एक चीज़ लेने की ज़रूरत है, आप दो चीज़ें, तीन चार बच्चा क्यों ले रही हैं? बच्चा होके अगर उसका दिल चाह रहा है सपोजिंगली कोई चीज़ लेने को, तो मैं उसको 3-4 चीज़ें ले देती हूँ कि नादे ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। नहीं मामा, मुझे एक ही चाहिए। क्यों? मतलब उसके अंदर एक इन बिल्ट, एक समझदार बच्चा है। तो ये ऐसा नहीं है कि मैं उसको डांटती नहीं हूँ, गलत चीज़ के ऊपर मैं गलत चीज़ पे उसको डांटती हूँ, लेकिन गलत चीज़ के ऊपर वो भी मुझे बोल देता है, जितना वो रुक जाए, मामा ये आप क्या कर रही हैं, मतलब प्लीज मामा। हाय, जब मामा मीठा मुझे सुन के, हाँ माँ भी कहता है मुझे, मामा तो कहता ही है ना, लेकिन जब बहुत ही प्यार तो अम्मा, तो आई जस्ट लव दैट, क्योंकि मैं अपनी अम्मा को अम्मा ही कहती हूँ ना, तो जब वो मुझे अम्मा कहता है ना, तो मैं मुझे मामा से भी ज्यादा जो है ना वो अम्मा ज्यादा मुझे बड़ा। हाँ। अच्छा, गाने सुनता है या कि बिल्कुल सुनता मामा है, ये गाना मुझे पसंद है या ये सुना है? सुनता है, मैं अगर नहीं भी सुनता तो उसको सुनवाती हूँ, गिटार बजा के सुनवाती हूँ, अदरवाइज, लेकिन उसका जो माइंड सेट है वो जरा रैप टाइप का म्यूजिक सुनता है, लेकिन मैं उसको कवालियाँ
सुनवाती हूँ और अब उसका एप्टीट्यूड ऐसा हो गया कि वो कवाली म्यूज़िक और की तरफ उसका रुझान है और मैं अगर कुछ क्लासिकल टाइप या फोक भी सुन रही होती हूँ ना तो अब वो उस तरह नहीं वो कर रहा होता, वो उसको मजा आ रहा होता है, मजा आ रहा होता है। और उसमें अब ये चीज है कि वो भी इंशाल्लाह ताला। और मैं चाहती हूँ कि बचपन से बच्चे को हर तरह का जॉनरा सुनना चाहिए क्योंकि मैंने इतने मुख्तलिफ जॉनरास के अंदर अगर गाया है तो उसको भी मेरा बेटा होने के नाते उसको कम अज़ कम उसकी लिसनिंग पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए। ही शुड नॉट बी स्टक कि बस सिर्फ एक ही तरह का म्यूजिक सुनना, हर तरह का सुनना है, बाद में जिसमें उसको कमांड हो फिर वो जो मर्जी करता दिल चाहे। कभी होता है उसकी दूरी से डर लगता है कि बाहर अगर उसने पढ़ने का कहा कि मुझे बाहर पढ़ने जाना है तो वो बाहर चला जाएगा, तो मैंने दूरी से उसकी डर लगता है। मैं अभी से इस बारे में सोचती हूँ कभी कभी, लेकिन ये कि मुझे ये होता है कि लेट द टाइम कम, जब वो वक्त आएगा तो मैं उस वक्त देखूंगी कि मैं अपने आप को कैसे मोल्ड कर सकती हूँ। लेकिन मैंने अपनी फ्रेंड्स के बच्चों के साथ देखा है कि यू हैव टू लेट गो समटाइम्स यू नो फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर चाइल्ड फॉर हिज फ्यूचर। अगर उस उन सर्कमस्टेंसेज में मैं उसके साथ ना टेल बन सकी तो मुझे उसको लेट गो करना पड़ेगा उसके फ्यूचर के लिए, उसकी जिंदगी के लिए। कभी नादिया अली आप पे गुस्सा कर लेता है और कभी आप भी डांट लेती हैं, बचपन में आपको डांट पड़ी नहीं पड़ी? अब मैं जल्दी जल्दी से बहुत पड़ी, बिल्कुल। अम्मी की कभी मार पड़ी? नहीं मार नहीं पड़ी, नहीं पड़ी आज तक, मार नहीं पड़ी। बस शरारतें करती थी आप? बहुत ज्यादा शरारती नहीं थी। नहीं, घर में कौन ज्यादा शरारती था तीनों भाई बहनों में से? अगर तीनों में देखा जाए तो तीनों में से कोई ज्यादा शरारती नहीं था, मासूम बच्चे। मैं भी शायद मैं ही थोड़ी सी हूँ, लेकिन नहीं शरारतें उस तरह नहीं ज्यादा नहीं, हम म्यूजिक में ही लगे रहे हैं। ओके, अम्बी ने बिल्कुल ठीक बटन हमारा दबाया है कि इनको बिजी रखो बस। पॉकेट मनी क्या मिलती थी स्कूल के लिए? 10 रुपीज, 10 रुपए, 10 रुपए, कभी 5 रुपए। हाँ, और उसमें क्या क्या आता था उस जमाने में? नान आ जाता था, समोसा आ जाता था। ओके, और इवन कनेड के अंदर मुझे याद है कि 20 रुपए में बहुत कुछ आ जाता था। बहुत कुछ आता होगा, यानी कि सोडा की बॉटल आ जाती थी, वो नाम नहीं ले सकते अब चैनल पे बैठे में, तो सोडा की बॉटल आ जाती थी, एक नान, समोसा। ओके, अगर आप सिंगर ना होती तो आप क्या होती? अल्लाह, अगर मैं सिंगर ना होती तो डेफिनेटली मैं साइकोलॉजिस्ट होती, और मैं साइकोलॉजिस्ट तो हूँ, लेकिन फिर मैं उस वक्त भी नफ्सियाती मरीजों को ही देख रही होती। वो अभी भी आपको फेस करने पड़ते हैं, बिल्कुल, मेरी जिंदगी में बहुत सारे हैं। बहुत, हाँ। वही मैं कह रही हूँ, अभी भी नफ्सियाती मरीज आपकी जिंदगी में आते हैं, उनको फेस करती हूं। कहती है कि तुम अट्रैक्ट कहाँ से कर लेती हो, नफ्सियाती मरीज तुम कहाँ से अट्रैक्ट कर लेती हो, नहीं पता नहीं मेरे सर्कल में क्यों आ जाते हैं सर। नफ्सियात बहुत पढ़ ली है तो उसी तरह अट्रैक्शन भी ना हो। Exactly. चले इनको ठीक करना, हाँ, तो फिर मैंने ठीक हो या ना हो, लेकिन हाँ, वो आपको मतलब मैंने एक उसका जो है ना वो बेड़ा उठाया हुआ है कि मुझे नफ्सियाती मरीजों को दुरुस्त करना है। दुरुस्त हो जाते हैं या नहीं होते और आपको ही करना पड़ता है? इन दी एंड ऐसे करना पड़ता है, चले भाई आपको जितना दुरुस्त करना था कर दिया, अब नहीं ज्यादा नहीं हो सकता। ओके जी, एक चीज मुझे, मैं हमेशा हर सिंगर से पूछती हूँ कि कोई ऐसा गाना जो आपने ना गाया हो बट आपकी ख्वाहिश हो कि काश ये गाना मैं गाती। हाय, कोई भी गाना हो सकता है। क्या ये गाना इतना खूबसूरत है, शायद मैं गाती। तो उसने भी बहुत अच्छा गाया हुआ है जिसने ऑलरेडी गाया हुआ है, बट आई विश कि ये गाना मेरे हिस्से में आता। उफ, ये तो बहुत ही मुश्किल सा सवाल कर दिया। मैं तो इतने ज़्यादा म्यूज़िक सुनती हूँ कि एक गाने के बारे में तो नहीं मैं कुछ कर एक सकती, जो भी सीरियसली है। ये बड़ा मुश्किल सवाल है ना। हाँ, कहीं तो मैंने भी फंसाया, मैं भी नफ्सियात के साथ खेली हूं, बुरा फंसाया तुमने। नहीं, बुरा फंसाया। सिंगर का कुछ ना कोई एक फेवरेट सॉन्ग होता है कि वो साथ है कि यार वाओ, तो कोई ऐसा हो गाना? आई थिंक बहुत सारे गाने हैं जो मुझे चले आपका, लेकिन जितने अच्छे गाने हैं वो सब ओरिजिनल सिंगर्स ने बहुत अच्छे गाए हैं, इसलिए कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है। लेकिन मैं कुछ ऐसे गाने हैं जो मैं वज़्द के अंदर कर रही हूँ, जो मेरा दिल चाहता था। जैसे मेरा दिल चाहता था कि मैं कमलीदा ढोला करूं, तो मैंने वो सराइकी का गाना किया अपने वज़्द में। और इसी तरह एक दो सॉन्ग्स हैं जो कि अभी आप वज़्द 2 के अंदर सुनेंगे जो मेरा बचपन में जो मैं गाती रही हूं और जो मेरा दिल चाहता था कि मैं करूं, तो वो मैंने किए हैं। ठीक है, वो मैं अभी रिवील नहीं करूंगी। अच्छा, भी लेकिन हाँ, लेकिन विद इन आई थिंक। आपका फेवरेट सिंगर कौन है पाकिस्तान? खान साहब को तो मैं बहुत सुना है, नुसरत फतेह अली खान साहब को बहुत। आजकल के सिंगर्स में हमें
आजकल के सिंगर्स में राहत बहुत अच्छे हैं. हाय आपदा जी तो ऑल टाइम मेरी फेवरेट हैं. बिल्कुल बिल्कुल. हाँ, बहुत बहुत ज़्यादा. ओके. और फेवरेट सॉन्ग आजकल का? आजकल का फेवरेट सॉन्ग आई थिंक मुझे वो बहुत अच्छा लगा, शिकवा जवाब शिकवा. Okay. अलामा इकबाल का बहुत अच्छा लगा. और हम देखें ये. हम देखें. इट्स क्वाइट इफेक्टिव. इट्स वेरी नाइस. बहुत अच्छा है वो. अच्छा कितना अरसा लगता है सिंधी गाना याद करने में? कितना टाइम लगा था? मुझे तकरीबन हफ्ता. हफ्ता. हाँ ओके. एक्सेंट तो मैंने पिक कर लिया था. लेकिन उसको याद कर लिया क्योंकि पेपर के साथ नहीं मैं गाती. जब मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ अपने म्यूजिशियंस के साथ तो फिर मैं पेपर नहीं होता फिर, क्योंकि पेपर जब होता है तो फिर आपकी रूह नहीं उसमें होती, अटकी हुई होती है पेपर में. फिर आप उसको देख रहे होते हैं, फिर आप रूह से नहीं कर रहे होते उसको. रूह से गाना बहुत जरूरी है ना. रूह से गाना पेपर के अलावा होता है. बिल्कुल. ओके आपसे मैं वन वर्ड आपके साथ खेलूंगी, एक लफ्ज बोलूंगी एंड आपने मुझे उसका एक लफ्ज में जवाब देना है. मुझे एक गाना बहुत याद आ गया लेकिन वो पाकिस्तानी नहीं है इसलिए मैं बोल दूं. मन भरिया. बिल्कुल बोल सकती है. हमारा समा जो है ना इट्स दैट सॉन्ग विच आई एम कम्प्लीटली हुक्ड ऑन. और अब आप ये गाना सुनाएंगे. कौन सा वाला? यही वाला. मन भरिया. नहीं आता मुझे. एक लाइन. नहीं एक लाइन. वे मैं तो तेरा मन भरिया. मन भरिया तेरिया तो लगता है. ब्यूटीफुल. और मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ मैंने ट्रिप लिया मरी का. सो वी वर कम्प्लीटली हुक्ड ऑन दैट सॉन्ग. वी केप्ट ऑन हियरिंग, केप्ट ऑन लिसनिंग टू दैट सॉन्ग. बहुत अच्छा गाना है. बहुत अच्छा है. अच्छा कुछ और भी सुनूंगी. ठीक है मन भरिया हम सर्च कर रहे हैं ना फॉरन से. मुझे पता था ये सर्च करेंगे हम बताते हैं. लेकिन इस पे बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलेंगे भी कि ये बड़ी पाकिस्तानी बनती हैं और ये इंडियन गाना क्यों इनको पसंद है. पर मेरे ख्याल में मुनाफ़कत नहीं होनी चाहिए. जब हम सुनते हैं तो सुनते हैं. ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं बहुत ज़्यादा इंडियन गाने नहीं सुनती. ये मेरी फ्रेंड्स को भी पता है. Okay. कि वो हमेशा मुझे सुनवा रही थी. नहीं नहीं आर्ट जो है वो आर्ट इज आर्ट. उसकी कोई वो जो है बाउंड्री नहीं. बाउंड्री नहीं है वो कहीं का भी. अब यहाँ पे आप किसी कोई अंग्रेजी गाने का कहती है वहाँ पे कोई नहीं होता. अब इंडिया का कोई गाना पसंद है वो आर्टिस्ट ने अच्छा गाया है, अच्छा लिखा गया है, अच्छा कंपोज किया गया है, वो गाना हमें पसंद है. वी लाइक इट. आई एग्री. कैलाश खेर. कैलाश मेरे मतलब बहुत फेवरेट सिंगर. आई विश कि मैं उनके साथ कभी गाऊं. कैलाश खेर के साथ ए आर रहमान. तेरी दीवानी और वो सब. ए आर रहमान. व्हाट अ फाइन 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 प्रोड्यूसर म्यूजिशियन. व्हाट अ फाइन. कैलाश का मेरा फेवरेट कौन सा है? वो वाला ना. ये ऐसे टाइम के ऊपर सारी चीजें ब्लैंक हो जाती हैं. आपने मुझे सिंगर का नाम बताया मन भरिया का, मुझे समझ नहीं आया. जरा सुनाए. ऊंची आवाज भी सुनाते हैं अभी. तेरी दीवानी था ना कैलाश. तेरी दीवानी. इसका एक और तू क्या जाने. हाँ यस. कौन सी राना? हिमांशु खुराना. हिमांशु खुराना का गाना है ये. तो जरूर सर्च कीजिएगा, जरूर सुनिएगा. अगर हदीका का फेवरेट है तो वो यकीनन बहुत अच्छा गाना होगा. एंड ये गाना मैंने सुना हुआ है. ठीक है. अच्छा जी खुशी आपकी नजर में. खुशी जो है इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड. दुख मेरे लिए सबसे ज्यादा. दुख मेरे लिए क्या है? पेन. ओके. दुख तकलीफ है और वो तकलीफ आपको इशफाक अहमद साहब की बड़ा अच्छा मुझे एक कोटेशन है कि दूसरों से मिली इज्जत और अपनों से मिली जिल्लत इंसान कभी नहीं भूलता. तो दुख मेरे लिए वो है जब अपने पेन देते हैं कोई अपना पेन देता है वो दुख रह जाता वो दुख है. बाकी वो तकलीफ होती है. और डेथ ऑफ कोर्स. वक्त जो है वो अनस्टॉपेबल है, ना रुकने वाली चीज है. बचपन. खुशी. यादें. ओके. पालक.
पालक अंडा अंडे में डालती हूँ मैं पालक exactly, मैंने कुछ दिन पहले कहा था कि पालक अंडे में डाल के खाएं भाई। ये भी एक टिप है मेरे व्यूअर्स के लिए कि नाश्ते में अगर वो स्क्रैम्बल्ड एग्स के साथ चीज भी थोड़ी सी डाल लें और पालक डालें, टोमेटोज डालें, मशरूम डालें, ब्लैक पेपर, गार्लिक पाउडर, इस तरह की चीजें डालें और भरपूर उसको चम्मच के साथ खाएं, कांटे के साथ खाएं। बिल्कुल, कोई ब्रेड ना खाएं, कोई पराठा ना खाएं अगर आपने थोड़ा फिट होना है। ओके, पछतावा, वक्त जाया करने का, इतना काम किया है फिर भी लगता है कि वक्त जाया किया है। जिंदगी, सफर, वजद, रूह, पैसा, हाथ की मैल, शौहरत, आनी जानी, खामोशी। खामोशी में एक बहुत खूबसूरती है, खामोश खामोशी होनी चाहिए। एच के सैलॉन ड्रीम, आलू चिप्स, ख्वाहिश ख्वाहिश हर ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, हजारों ख्वाहिशें ऐसी मैंने तो खुद अपने पास से बना दिया। ठीक है, हर ख्वाहिश पे दम निकले, क्या बात है। नादिया अली, जिंदगी, बहन, सोलमेट, ट्विन सोल, भाई, स्ट्रेंथ, बारिश, मेलेडी, मौत, सच, अब्बू, फादर एक इनकम्प्लीट मिस्ट्री, माँ मेरी बहुत प्यारी दोस्त, हदीका क्यानी, प्यारी दोस्त भी और बेटी भी। हदीका क्यानी, हदीका क्यानी एक इंसान जो बेहतरी की के सफर के ऊपर है। हर दिन चाहती हूँ कि कुछ ना कुछ बेहतरी है, अपने आप को बेहतर कर लूँ, अपने आप को बेहतर कर लूँ। ख्वाब फुलफिलमेंट। आपकी कमजोरी, माय सन, खुदा, वननेस। जबरदस्त, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। ओके जी, मेरी टीम की पुरजोश फरमाइश, वो आपसे बहुत कुछ सुनना चाहते हैं। मेरा गिटार, कोई गिटार यहाँ पर है। और वज्द, अभी कब वज्द भाई, कब मतलब देखिए जी, वज्द कितना टाइम लगेगा वज्द में? वज्द वन तो हमने कर दी, अब चूंकि जरा आर्टिस्ट टाइप के लोग हैं हम लोग, तो थोड़ा सा टाइम लेते हैं चीज़ों में। अभी प्रोसेस के अंदर है, अनदर वन और टू मंथ्स आप लोगों को सुनने को मिलेगी। ऑल ऑर्गेनिक म्यूजिक, उसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड चीज़ नहीं है। हर चीज़ जो ऑर्गेनिक चल रही है तो ऑर्गेनिक ही है म्यूजिक। अच्छा, मुझे एक चीज़ पूछनी थी कि हदीका से, अगर मैं पूछूँ कि आपको अपनी कौन सी आदत सबसे बुरी लगती है, जल्दी से। बुरी बहुत सारी आदतें हैं जो अपनी बुरी लगती हो कि बस मुझे ये आदत ना हो। रेस्टलेस हूँ मैं बहुत ज़्यादा। ओके, और हाइपर एक्टिव हूँ, तो मुझे कभी कभी ये चीज़ तकलीफ देती है कि जब लोग या जिस टीम में मैं काम कर रही होती हूँ वो अगर मेरी पेस पे ना चल रहे हो तो मुझे वो इरिटेट दोस्त करती है। हाँ, कम है ज़्यादा है? कम है, ठीक है। और बहुत पुरानी फ्रेंड्स हैं। एक फ्रेंड मेरी अभी अंदर भी बैठी हुई है, शी इज़ मिसेस पाकिस्तान और 2008। या सो शी यूजली कम्स हियर, तो उनका मेकअप अभी आपको दिखाते हैं। दाना, शी इज़ अ वंडरफुल सोल और मेरी कॉलेज की फ्रेंड है वो, और कमिंग अ लॉन्ग वे। ओके, या मोबाइल इस्तेमाल कितना करती हैं? कोशिश करती हूँ कि अब कॉन्शियस हो गई हूँ कि जब बेटा मेरे पास हो तो उसको चिढ़ होती है कि जब मैं बैठा हुआ हूँ तो कोई मोबाइल नहीं। अच्छा, तो मैं मोबाइल को बंद करके साइड पे कर देती हूँ। ओके, जब कोई काम नहीं करना हो तो हदीका क्या बहाना बनाती हैं? किसी कॉल ना उठानी हो, कोई काम ना करना हो, कोई कॉन्सर्ट ना करना हो, क्या बहाना होता है? साइलेंट पे होता है फोन पे।
हमारा फोन साइलेंट पे था, मेरा फोन साइलेंट पे था, साइलेंट पे था फोन, पता ही नहीं चला वो क्या गाड़ी में पड़ा हुआ था या बंद किया हुआ ब्लंट था, नहीं यार मुझे लगता है हम ना बहुत कर्टेसी में मारी जाती हैं कि किसी को नो कैसे करूं तो फिर छुप जाऊं, बहुत मुश्किल है, मैं अपनी हाइबरनेशन के अंदर चली जाती हूं कहीं। ख्वाब याद रहते हैं? किस तरह के ख्वाब देखते हैं? मुझे बहुत कम ख्वाब आते हैं, मेरा भी मसला है ख्वाब, मुझे ख्वाब नहीं आते, और अगर मुझे कोई ख्वाब आ जाए भूला बिसरा तो अल्लाह मियाँ मुझे माफ़ कर दे, वो ख्वाब सच्चा हो जाता है फिर वो। रियली? और ऐसा है बचपन से, अल्लाह करे कोई अच्छा ख्वाब आ जाए इनको, मुझे ख्वाब नहीं आते लेकिन मुझे ख्वाब आते हैं तो वो। कोई ख्वाब याद है जो बचपन में के आया और वो सच हुआ, जो आप शेयर करना चाहें कर सकें, मतलब जिसमें कोई इशू ना हो? नहीं तो फिर मैं इतनी छोटी थी कि मुझे, मैं आपको बता रही हूँ कि भुट्टो साहब, पॉलिटिकल बात है, ओह माय गॉड, उनको जब हैंग किया था आई वाज वेरी लिटिल ना, मुझे क्या पता होगा, मुझे आपसे मैंने उठते साथ अम्मी को ये कहा कि अम्मा मैंने किसी को देखा है यहाँ पे रोप बंधे हुए और पूरा ये ब्लैक है, और उसी दिन सुबह के टाइम 5 बजे या 4 बजे जो भी है वो ये खबर आई थी कि अब तो बहुत छोटी हो उस वक्त, वेरी लिटिल, हाँ, और वो ख्वाब देखा है वो सच, अम्मी को बताया मैंने इस तरह चटपट करते हुए ना, तो अम्मी ने तो सर पे हाथ रख लिया कि ये क्या बच्ची क्या बता रही है, जो सुन रहे हैं, जो चल रहा है, जो पता चल रहा है। हालांकि हमारे घर के अंदर कोई पॉलिटिकल बातें भी नहीं होती थी, कुछ उस तरह भी नहीं था, अम्मी ने हमें कोई पॉलिटिक्स के अंदर तो कुछ भी नहीं उस तरह की बात, तो थे भी इतने छोटे के उनको क्या बताते। फिर इसी तरह 2-3 चीज़ें और भी, मैंने अम्मी के पैरालिसिस से 3-4 दिन पहले देखा था कि अम्मी के सर पे बुलेट लगी है, हाँ मैं बुलेट लगी है, और यानी ब्रेन में, तो अम्मी के ब्रेन में इन्फार्क्शन होती है जिसको इन्फार्क्शन कहते हैं कि वो क्लॉट आ जाते हैं, okay. तो वो क्लॉट आया अम्मी का और शी गॉट पैरालाइज्ड राइट आफ्टर 2-3 डेज, हाँ। तो इसलिए मुझे ख्वाब ज़्यादा नहीं आते, लेकिन तो मैं कहती हूँ मुझे ना आए ख्वाब, ना ही आए तो अच्छा, ना आए तो बेहतर है, हाँ। अच्छे भी आ जाते हैं, हाँ। मुझे लेकिन, मत दिखिए लेकिन पूरी लाइफ में आते नहीं है, नहीं आते। अच्छा मुझे ख्वाब आते हैं, मैं भूल जाती हूँ, लेकिन कोई एक आध ख्वाब कभी याद रह जाता है, कोशिश करती हूँ मुझे याद करना है। ठीक है जी, अल्लाह खैर ही करे, अल्लाह खैर ही करे। आपसे गाना सुनेंगे और फिर हम आपको मेकअप दिखाते हैं। छोटा सा मैं दोहरा सुनाऊंगी बाबा बुल्ले शाह का ना जी। ठीक है, जेड़ा नित तेरे विच बोलदा है ओ ढूंढे पार जाके लभे कर आके, हाय बांग मुर्गियों कूड़ा है फरोलदा ओ बुल्ले शाह जो तेरे तो वख ना होवे आपे बाज मारे आपे बोलदा, हाँ हाँ
बाबा बुल्ले शाह कहते हैं कि हम वे बोल बदीदा तेनु खबर नहीं हूँ, यानी कि तू इतना बेदीद है कि तुझे खबर ही नहीं है कि तू अपने से बाहर ढूंढ रहा है जबकि हर चीज़ तेरे अंदर ही शामिल है। दीद देखना सब कुछ अल्लाह ताला ने तेरे अंदर दे दिया है, तू क्रिएटर की क्रिएशन है बेसिकली, तो तुम्हें वो हिस दे दी दिया, लेकिन तुम हमेशा अपने से बाहर ही ढूंढ रहे हो, अंदर अपने अंदर कुछ नहीं ढूंढ रहे, जबकि सब कुछ सारी दुनिया आपके अंदर ही है। मैं बताऊं कि लफ्ज समझ काफी और वांग मुर्गियों कूड़ा है फरोलदा का मतलब है कि तुम मुर्गियों का जो मालिक है उनको साफ दाना डालता है लेकिन मुर्गियां हमेशा जो है ना कूड़े में चुग रही होती हैं। तो इंसान का वही हाल है कि अल्लाह ताला इंसान को सब कुछ देता है लेकिन हमारा काम है कि हम कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, इधर उधर बहुत घूम फिर जाते हैं। साथ एक छोटा सा ब्रेक, वापस आते हैं, आपको मेकअप दिखाते हैं जिसका आप सबको बेचैनी से इंतजार है, तो अच्छी चीज़ दिखा रहे हैं, तो ज़रा इंतज़ार करें आप भी। चुके हैं नाज़रीन और फाइनली मैं अब आपको दुल्हन दिखा रही हूँ और दुल्हन जो है हमारे पास है अरूसा। अरूसा बहुत प्यारी लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है। अभी मैंने वो सर पे दुपट्टा वगैरह नहीं करवाया क्योंकि ताकि पता चले कि बाल आजकल जो है वो किस तरह के चल रहे हैं। सॉफ्ट ब्राइड्स जो है ना वो चाह रही है। अच्छा, इस तरह के मेकअप के साथ सॉफ्ट पीचेस पिंक्स में भी हो सकते हैं लिप्स, और ओम्ब्रे चल रहा है आजकल रेड एंड मैरून के अंदर, आप वो भी करके दिखा दो। अच्छा, ये भी आपने सॉफ्ट वाली लुक दी है ना, और बेसिकली लिक्विड मेकअप्स ही चल रहे हैं, बहुत ज्यादा केकी मेकअप्स उस तरह के नहीं चल रहे कि बहुत। अब मुझे एक बात बड़ी अच्छी लग रही है कि हम लोग दुल्हनों को अक्सर आपने देखा होगा कि शादी से लोग जाते हैं, हाय दुल्हन तो बड़ी लग रही थी लड़के से, वो दुल्हन बड़ी बेचारी मासूम नहीं होती, अगर होती भी है तो उसमें कोई इशू नहीं है, बट वो मेकअप उसको उसकी एज से बड़ा दिखा देता है। तो यहाँ पे मैं भी एक बार नोटिस कर रही हूँ कि इतना सॉफ्ट मजे का मेकअप है कि वो एज के वो करीब से देखने से भी जो है ना वो अच्छा लग रहा है, और इतना सा ब्राइड के लिए इतना सा हल्का सा मेकअप तो जरूरी है ना, दे वांट टू लुक द बेस्ट ऑफ कोर्स। यहाँ पे अब टू मच भी कर लेते हैं वो भी बुरा, क्योंकि ऑलरेडी कपड़े इतने भारी होते हैं, बहुत ज्यादा हो जाता है, बाल बने हुए होते हैं, लैशेस वगैरह और सब चीजें हैं, बाल और इतना हैवी जो बड़ा अच्छा लग रहा है, हल्का सा ग्लिटरी मेकअप जो किया है। और ये वलीमा पे भी आप कर सकते हो, बिल्कुल आप सॉफ्ट लिप्स के साथ और स्मोकी आईज के साथ आप उसमें कर सकते हैं, लेकिन ये गोल्ड एंड ब्रॉन्ज उसमें। तो आपने खुद मेकअप सीखा? हाँ, मैं तो बड़े सालों से कर रही हूँ, खुद ही अपनी टेक्निक्स लगा लेती हूँ, क्या क्या करती हूँ, मास्टर क्लासेस भी देती हूँ, बच्चियों को देती हूँ, अपने फ्रेंचाइजीज को, उनकी लड़कियों को। सो शुरू से कुछ ना कुछ लगी मैं। अब ये देखिए, तो चाहिए होती है लाल लिपस्टिक की चाहिए होती है, तो अब दोनों लुक्स हम लोग दे रहे हैं ना, पहले हमने सॉफ्ट आपको दिखाया, सॉफ्ट की है, अब हम रेड वाली कर रहे हैं। जब तक इनकी रेड लिपस्टिक पूरी होती है तब तक हम मिल रहे हैं, इधर आ जाते हैं पाकिस्तान 2008 समन हमारे साथ हैं, और हसनैन शाह। समन, हसनैन शाह, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? सनम, हाउ आर यू? आई एम गुड, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी, एक तो आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आप आई, और मजे की बात ये कि आपका मेकअप मतलब इट्स नेचुरल और लेकिन यहाँ से हुआ है, है ना, बहुत अच्छा हुआ है। और मैं बड़े शौक से हदीका के सलोन आती हूँ, इतना बड़ा बिजनेस है सलोन्स का। दोस्ती में आती हैं या फिर काम की वजह से आती हैं? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दोस्ती की वजह से, काम की वजह से, ये तो जरूरी है। एक्चुअली जी, हम कनेड में इकट्ठे थे, और ये जो हदीका का म्यूजिक का तो पैशन है ही, इसको एक ऑब्सेशन थी विद मेकअप्स आल्सो, और वही वो उसका शौक, और उसको फाइनली देखना कि उसने सलोन बनाया और अब उसको आगे फ्रेंचाइज भी कर रही है, एंड बॉय इट्स अ वंडरफुल सलोन। और तीन चीज़ें होती हैं मेरे ख्याल में जो बहुत ज़रूरी हैं, एम्बियंस, सर्विस, यू नो कस्टमर सर्विस एंड द एक्सपर्टीज़।
सो आप देखें इसके सलोन में यू नो दे डोंट पुट लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ मेकअप, वो आपके अपने जो नेचुरल फीचर्स हैं उसको एनहांस करते हैं. सो आई लव दैट. आई लव कमिंग हियर. का मतलब ही यही है. बिल्कुल बिल्कुल. तो आई लव कमिंग हियर एंड ऑफ कोर्स आई लव सपोर्टिंग माय फ्रेंड आल्सो. अच्छा गाने सुनती हैं आप इनसे? ओह माय गॉड सुनती हूं. सीखने की भी कोशिश की थी वो जरा फेल हो गई कॉलेज में. आपका फेवरेट कौन सा है इनका? पता है मुझे इसके सारे गाने पसंद हैं बिकॉज यू नो शी एक्चुअली सिंग्स फ्रॉम हर हार्ट. मेरा नहीं ख्याल है इससे ज़्यादा क्रिएटिव एंड पैशनेट गाने वाली सिंगर है. इनको मुझे लगता है गाने से, इनको ज़बानों से, इनको लोगों से इश्क है. इनको अपने मुल्क से, इनको एक ये मीडिया में है, ये बाहर निकलती हैं, दुनिया देखी हुई है, लेकिन इनकी रूह बड़ी, इनकी रूह बहुत अलग है. मैं आपको बता रही हूँ, मैंने बहुत सारे लोगों को इंटरव्यूज करती हूँ, ये डिफरेंट सोल है, ये बहुत अलग है दुनिया से. वो प्यार छलकता है गानों में, वो नजर आता है. एग्जैक्टली. प्यार, वो इश्क, पैशन फॉर पीपल, वो नजर आता है. द केयर. यस. द वंडरफुल सोल शी इज. इतनी सारी तारीफें. ये तो खैर मेरी, मैं तो आपकी दोस्त भी नहीं हूँ, आपसे फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ, लेकिन जो चीज सच है वो है. नहीं नहीं, हमारे तो आपस में दुख सुख हर चीज, हम दुख सुख के साथी हैं ना. चलें जी, दुख के भी साथी हैं, सुख के भी साथी हैं. वी डोंट जज ईच अदर. इसी यही तो सभी दोस्ती है, दोस्ती. मुझे बताएं कि हदीका जब उदास हो, समन को कैसे पता चलता है कि यार कुछ है मसला? खाना छोड़ देती हैं, बहुत ज्यादा सोना शुरू कर देती हैं, या छुप जाती हैं, या फोन नहीं उठाती, क्या करती है? छुपी होती है, उसको ढूंढना पड़ता है. खामोश हो जाती है. यू नो शी इज अ पर्सन जो कि अपना दुख नहीं दूसरों को देना चाहती, दूसरों का दुख एब्जॉर्ब कर लेती है. तो फिर हमें उसे ढूंढ के निकाल के उसका कुछ थोड़ा सा दुख अपना वो करता है. यही बात है ना. जब खुश होती है तो कैसे पता चलता है कि यार हदीका खुश है? भैया सारे पाकिस्तान को पता चलता है उनके गानों से. सो मच माशाल्लाह एनर्जी. और जो इसका प्यार है ना, ये जो अंडर प्रिविलेज विलेज लोग हैं, लड़कियां, आप देखें ना सलोन में भी जो ये सलोन को फ्रेंचाइज को बढ़ा रही है, वो कहती है इस तरह आई कैन हेल्प अ लॉट ऑफ गर्ल्स, यू नो यंग गर्ल्स हु कैन वर्क एट द सलोन्स, और उनको जॉब मिले, और यू नो उनको कोई मेंटोर मिले. तो शी डज दैट. गुस्सा करती है, गुस्सा होती है तो क्या करती है? चुप हो जाती है, चीजें तोड़ती है, या ऊंचा बोलती है, या खामोश हो जाती है? चीजें तोड़ती. हां लोग गिराते हैं चीजें. नहीं सीरियसली. हां I mean, मैं बताना नहीं चाहती कितने पुराने दोस्त हैं. मतलब फर्स्ट ईयर आई हैव नेवर सीन हर एंग्री. सीरियसली? आई हैव नेवर सीन दिस वुमन एंग्री. नो कभी तो किसी पे गुस्सा आया होगा इनको कि यार दिल टूटता है इसका. दुख होता है और उम्मीदें टूटती हैं लोगों से, क्योंकि ये जो लोग ज़्यादा करते हैं ना उनको थोड़ी बहुत उम्मीद होती है लोगों से, अपनों से. अगर वो उम्मीद टूटे तो वो हाँ वो आई सी हर ब्रेकिंग एट दैट पॉइंट. मगर वो जो है ना थोड़ा बहुत कम. मेरी फ्रेंड्स ने देखा रोते हुए थोड़ा बहुत. यस ज़्यादा अकेले में ज़्यादा रोती हैं या फ्रेंड्स के सामने रो लेती हैं, कंट्रोल करती हैं? मुझे किसी फ्रेंड्स के सामने भी बहुत ज़्यादा नहीं रोती. कहीं दो तीन दफ़ा शायद मेरे बर्स्टिंग पॉइंट्स आए हुए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं. हाँ वेरी. वरना अल्लाह ताला के सामने और अकेले में. हाँ अकेले में अल्लाह ताला से बात करती हैं उनसे हर वक्त है ना. अच्छा बात ही अल्लाह ताला से करती हूँ. मैं सोचती हूँ कि कभी कुछ लोग जब सुख में होते हैं, जब खुश होते हैं तो अल्लाह ताला के करीब ज़्यादा हो जाते हैं, कुछ लोग जब उदास होते हैं तो अल्लाह ताला के करीब होते हैं. हदीका वो खुश होती हैं तो अल्लाह ताला के करीब ज़्यादा होती हैं या दुख में ज़्यादा होती हैं? वैसे तो करीब होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ में अल्लाह ताला फिर हमें ज़्यादा याद आते हैं. मुझे लगता है कि जैसे एक हर वक्त एक विरत सा दिल में चलता रहता है, और कहते हैं ना अल्लाह ताला तो आपकी शारक से करीब है, तो वो तो आपके साथ है, वो तो आपके दुख सुख में अच्छे बुरे में हर वक्त साथ है. तो आप दोनों वक्तों में, दोनों वक्तों में ही, ऐसा नहीं होता कि हर वक्त मैं दुख में जो है वो सजदे दे रही हूँ. आई थिंक खुशी के अंदर सजदा देना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि खाली दुख में नहीं, क्योंकि जब आप खुश हैं तो यू आर ग्रेटफुल. आपको उसमें भी, आप उसमें भी. हाँ दुख में तो हर कोई सबसे पहला वही होता है कि अल्लाह ताला हमारी मदद, और झुके हुए ही रहना चाहिए ना उसकी जात के सामने. आपने कहाँ अकड़ सकते ही नहीं है ना. बिल्कुल. कोई ऐसी ख्वाहिश जो अभी तक पूरी ना हुई नहीं? ऐसी ख्वाहिशात काफ़ी सारी हैं, लेकिन आई जस्ट वॉन्ट टू कीप वर्किंग. मैं चाहती हूँ कि मेरा वक्त ज़ाया ना हो, बस मैं जितनी ज़िंदगी है उसमें मैं काम करती रहूँ. okay. गाती रहूँ, गाती रहूँ, गाती रहूँ, ये भी चीज़ चलती रहे, लड़कियाँ भी आती रहें, मैं उनको सिखाऊँ करूँ,
और इससे ज़्यादा करूँ, इससे ज़्यादा। अच्छा, यहाँ पे जैसे ये मेकअप होता है या बाकी सर्विसेज भी हैं? बाकी सर्विसेज भी हैं, और यहाँ पे हम वर्कशॉप्स बहुत ज़्यादा देते हैं ताकि हमारी बच्चियाँ जो हैं वो आगे बढ़ें। उसको प्रमोट कैसे करती हैं, अगर कोई आना चाहे उसको कैसे पता चले कि हम कहाँ हैं? फेसबुक के ऊपर करते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर करते हैं, आप ही के सैलून के नाम और वर्ड ऑफ माउथ, जिस तरह के यहाँ पे क्लाइंट्स आ रहे हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको बताते हैं, ब्रोशर्स होते हैं, पैकेजेस निकेजेस निकालते हैं, कुछ उनको टेक्स्ट मैसेजिंग कर देते हैं अपने। और हमने उनकी लिपस्टिक चेंज कर दी, शी लुक्स वेरी वाइब्रेंट नाउ, है ना, बहुत प्यारी लग रही है, दोनों सूट कर रहा है। हालांकि रेड कलर जो है वो इतना डिफिकल्ट होता है, लोग कैरी नहीं कर सकते, बट शी हैज गॉट ब्यूटीफुल लिप्स, तो ये काफी अच्छा लग रहा है, बहुत खूबसूरत। अब जो ब्राइड्स रेड कलर की ख्वाहिश लेके आती हैं, कई दफा वी डोंट सजेस्ट देम, क्योंकि उनके लिप्स की शेप उस तरह की कई दफ़ा नहीं होती कि हम कहते हैं कि नहीं ना करें। सो इनके लिप्स की शेप ऐसी थी कि मुझे लग रहा था कि हाँ, और इन पे ये भी अच्छा लग रहा है। और अब इसमें दुपट्टा सेटिंग के भी बहुत सारी डेफिनेटली इकसाम होती हैं, तो दुपट्टा लेके ज़रा और भी ज़्यादा पूरी डेलिकेसी हो जाती है। आपको कितना शौक है शॉपिंग का? बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये आसिफ़ा एंड नबील के का ड्रेस है, और ये जेवर एक ब्रांड है ज्वेलरी का, रिजवान साहब है ना उनके, तो वो अच्छा रिजवान का ये है जेवर, और एड्रेस के नाम से बताया, आसिफ़ा एंड नबील। यस, एंड आसिफ़ा इज़ अ वेरी 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 गुड फ्रेंड ऑफ माइन, और हमारा एक ही ग्रुप है, और आसिफा ही है जो मुझे पुल कर लेती है इसके साथ आके, बस मुझे पिक कर लेते हैं ना ये लोग, बस निकलो, है ना, बहुत हो गई बस, हाँ, अब बहुत हो गया कि बहुत हो गई बस, अब निकलें, है ना, हाँ, बाहर निकलें, और हम मतलब कॉफी पीने निकलें, खाना खाने निकलें, बस निकलें यहाँ से। बिल्कुल, चलो मैं एक दफा चाहूंगी अगर दुल्हन खड़ी हो जाए और हम इनके शॉट ले लें, हम बाहर चलते हैं ताकि इनका शॉट बनेगा, खड़े हो जाओ, बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और हम वापस आ चुके हैं, और आप यहाँ पर आना चाहें तो अच्छा, अधिका आप खुद यहाँ पर होती हैं अगर लोग? बिल्कुल, मैं कभी आती, तो आपके फैंस भी आते होंगे अक्सर? बिल्कुल नहीं, फैंस तो नहीं, क्योंकि मेरी टाइमिंग्स उस तरह नहीं होती, हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे वर्कशॉप्स वगैरह करती हूँ, ओके, बच्चियों को कस्टमर सर्विस की क्लास, सेल्फ ग्रूमिंग की क्लासेस और मास्टर क्लासेस देती हूँ खुद। अच्छा, यहाँ पे जैसे आजकल मैं बड़ा हैरान होती हूँ कि आजकल के दौर में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि नहीं 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 नहीं, बेटियाँ पढ़ लिख जाएंगी, कुछ कर लेंगी काम, हुनर आ जाएगा हाथ में, तो घर क्या बनाएंगी, तो उन लोगों को क्या कहेंगे आप? आई थिंक उन्हीं के लिए ये ज़्यादा चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि अपनी बेटियों को स्ट्रेंथ दें, कॉन्फिडेंस दें, ज़िंदगी इतनी तवील नहीं है, लेकिन एक ऐसा सफ़र ज़रूर है कि जिसमें बच्ची के पास अगर एक हुनर होगा तो उसमें उसी की बेहतरी है, उसकी औलाद की बेहतरी है। कल को अगर उसका हस्बैंड जो है वो सही नहीं कमा रहा, और आजकल का दौर ऐसा है कि जिसमें दोनों ही कमाएं तो अच्छी बात है, अगर वो बच्ची के पास कोई स्किल होगा, चाहे वो जॉब करे या ना करे, उसकी अपनी चॉइस होनी चाहिए, लेकिन अगर वो उसके पास स्किल है तो उस बच्ची का कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ जाएगा? तो कम से कम वो जी, इसी वजह से आजकल लड़कियां जी इतनी इंडिपेंडेंट हैं और ये हैं तो कमा रही हैं, तो डिवोर्स रेशो भी बढ़ गया है, तो ये भी हो गया है, तो उनको किसी की ज़रूरत नहीं है। सनम, आई थिंक डिवोर्स रेट तो फिर हाउसवाइफ्स का भी है, जो बच्ची exactly. जो लड़कियां कुछ नहीं कर रही, अब ये किस्मत, उनको मीडिया ने ख़राब किया है, मैंने ये सुना। नहीं, किस्मत की बात है, अब आप उनको कम्प्लीटली जेल के अंदर तो डाल नहीं सकते, उनको हाइबरनेट तो कर नहीं सकते, किसी एक सेल में किसी बॉक्स के अंदर तो डाल नहीं सकते। एक लड़की है, उसने उसको मीडिया, तो मीडिया से कैसे आप दूर लेके जा सकते हैं और ऐसी चीज़ों से, लेकिन यह है कि जिसने ख़राब होना है वो मेरे ख्याल में पूरे क्लटर के अंदर भी नहीं ख़राब हो सकता, और जिसने नहीं होना नहीं हो सकता, जिसने होना है हाँ वो कहीं पे भी हो, वो कहीं पे भी हो सकता है, किसी भी प्रोफेशन में हो सकता है। आप कितने कितने नोबल, ब्लेम नहीं कर सकते, कितने नोबल प्रोफेशंस देख लें आप, उनमें आप ये लेबल नहीं लगा सकते कि
किसी जगह पे कोई ख़राब नहीं हो सकता, जिसने होना है वो हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, आवाम को, पब्लिक को अपने सैलून के हवाले से कुछ कहना चाह रही हूँ, ऐसे ही कोई मैसेज देना चाह रही हूँ, तो क्या कहेंगी? कोई ऐसी बात जो दिल में हो, कभी कही ना हो कि यार छोड़ो मैं नहीं बोलती, लेकिन आज नहीं, बस मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस दें, अपने बच्चों को एजुकेट करें। और एजुकेट करना सिर्फ डिप्लोमास और डिग्रीज़ देना नहीं है, एजुकेट करना उनको सिविक सेंस, उनको लाइफ के अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस कि जब वो बच्चियों की शादी हो जाए तो उन्होंने अपने आप को किस तरीके से स्ट्रॉन्गली दुनिया में फेस करना है। सो और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सेल्फ़ डिसिप्लिन सीखें। सेल्फ डिसिप्लिन जो है वो ऐसे नहीं आता, वो सेल्फ़ रिस्पेक्ट करने से आता है। जब तक आप अपनी इज़्ज़त खुद नहीं करेंगे, तब तक माशरा भी आपकी इज़्ज़त नहीं करेगा। इसलिए अपनी इज़्ज़त करना सीखें। हर लड़की को चाहिए कि अपनी इज़्ज़त खुद करे, अपने आप को एजुकेट करे, अपनी चॉइसेस स्मार्ट रखे और सोच समझ के फैसले करे। डेफिनेटली पेरेंट्स की बात मानना सर आँखों पे, लेकिन थोड़ा सा अगर देखें, रब ने जब आपको दिमाग दिया है, उसकी मशीनरी दी है, तो उसको भी थोड़ा सा इस्तेमाल कर लें। तो कुछ जगहों के ऊपर इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। जब हम नहीं करते इस्तेमाल तो हम बहुत बुरे तरीके से ठोकरें खाते हैं। सो इसलिए इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि जहाँ पे दिल में आ रहा हो, ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी लड़कियों को, लड़कों को भी इवन फॉर दैट मैटर, कि खाली लड़कियाँ मज़लूम नहीं हैं, बेचारे लड़के भी मज़लूम हैं। इसमें ऐसी बात नहीं है कि मैं बिल्कुल जेंडर बेस्ड हो के, वो बायस्ड हो के कहूँ कि जी ख़वातीन ही हैं जो पिस रही हैं, मज़लूम हैं, ऐसा नहीं है। बंदों के भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कहना चाहूँगी कि व्हेन यू वांट टू से यस, यू शुड से यस। इफ़ योर हार्ट इज़ सेइंग नो 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 नो, देन यू शुड नॉट से यस। जब दिल कह रहा है नहीं नहीं नहीं, इधर नहीं है, क्रॉस है, क्योंकि वो रब आपसे कम्युनिकेट कर रहा होता है, कहीं ना कहीं अल्लाह ताला आपकी घंटी बजा रहा होता है कि आपने नहीं कहना, लेकिन आप प्रेशर्स के अंदर आके कह देते हैं कि हाँ ठीक है। कोई भी फैसला जिंदगी का, ये सिर्फ शादी का फैसला नहीं, ये लोग ये ना समझे, एजुकेशन का फैसला भी है, ये आपके करियर का फैसला भी है, ये आपके कपड़े पहनने का फैसला भी है, या कहीं जाने का, ज्वेलरी का, मेकअप का, किसी भी चीज में कुछ भी करने का। अगर आपका दिल कह रहा है ना कि नहीं, और दूसरा कह रहा है नहीं नहीं ये तो तुम्हें बड़ा सूट कर रहा है, लेकिन आप दिल में कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, तो आप कॉम्प्रोमाइज ना करें। आप उस टाइम दिल कह रहा नहीं तो आप उसको कहें नहीं, दिल कह रहा है यस तो आप कहें यस, आप उलट ना जाएं। दिल कह रहा है हाँ 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 मुझे करना चाहिए, और आप ऊपर से कह दें नहीं 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 मैंने नहीं नहीं। जो दिल कहे, दिल की मानो, ये रिलेशनशिप्स में भी है कि दिल कह रहा है कि हाँ 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 मैं इसके साथ चली जाऊं, और आप दिमाग कह रहा हो नहीं, तो फिर उस वक्त किसकी सुननी चाहिए? हमेशा अपने दिल की सुननी चाहिए, दिल की सुननी चाहिए। ओके जी, आपसे इजाजत। थैंक यू सो मच हदीका, बहुत अच्छा लगा, सच अ ग्रेट प्लेजर। मेरे लिए ऑनर की बात थी कि तुम आई हो यहाँ पे, मेरे लिए ऑनर, सीरियसली। ऑल माय गर्ल्स देयर कहीं इधर उधर छुपी हुई हैं, बट दे आर सुपर एक्साइटेड टू सी यू, सीरियसली। थैंक यू, ऑल वेरी हैप्पी, बहुत मजा आया। और मुझे लगा कि आज मैं बाकी हदीका को मैं सुनती थी, देखती थी, लेकिन आज मुझे लगा कि वाकई वो बहुत ही अलग है, एंड सच अ नाइस सोल, माशाल्लाह, एंड पॉजिटिव। जाते जाते भाई, वरना मेरे कान अभी गिर जाएगा थोड़ी देर में अगर मैंने आपसे गाना ना सुना। वही दोबारा से मैंने बंदी मौत सुना देती हूँ ना, बंदी मौत सुना देती। अच्छा, और आप सबसे खुदा हाफिज़, इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी अगर जिंदगी रही, खुदा ने चाहा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। हमसे अगर किसी की दिल आजारी हुई हो और कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ कर दीजिएगा। खुदा हाफिज़। और कल का शो जरूर देखिएगा, बहुत मेहनत की हमने, बहुत मजे का शो है। देखिए, हर इंसान की अपनी अपनी वैल्यूज होती हैं। कुछ चीजें ऐसी हो सकता है मैंने कही हो जो किसी को ना सूट की हो, जो किसी के दिल को ना अच्छी लगी हो, तो उनके लिए मैंने आपकी यही कह सकते हैं कि मैंने तो कह दिया। हाँ। अब कह दिया, हाँ बिल्कुल, लेकिन जाने में किसी से भी कुछ हो सकता है। बिल्कुल। और आप सारी दुनिया को सेटिस्फाई कर भी नहीं सकते ना, ये भी बात है। इसलिए हमें ट्राई भी मत करें। हाँ, ट्राई भी मत करें, नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। इसलिए मन की मौज में हंसना खेलना, दिल को रखना काम काज में, और मैंने किसी को बुरा नहीं कहना, यही इस गाने का मतलब है। ठीक है ना,
मन दी मौज विच हसना खेड़ना दिल की रखना कमे कन्ने मैं ना पर किसे की मंदा नहीं बोलना चने दी चानड़ी चंदे कन्ने मन दी मौज विच हसना खेड़ना दिल की रखना कमे कन्ने मैं ना पर किसे की मंदा नहीं बोलना चने दी चानड़ी चंदे कन्ने मन दी मौज विच हसना।